गुड मॉर्निंग एवरीवान आ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बच्चो एंड वेलकम टू क्रिएटिक्स चैनल माइ डियर फ्रेंड्स वी आर बैक अगेन इन संकल्प बैच फॉर गेट ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री एंड टूडे वी आर हैविंग अ मैराथन सेशन ऑन जस्ट अ मिनट ओके तो ये थमनेल थोड़ा सा गलत हो गया भाई मैराथन सेशन है आज आपका सीआरओ एंड डिजिटल इंस्ट्रूमेंट का ठीक है तो मैं भी कंफ्यूज हो गया थंबनेल देख करके कहीं गलत प्रेजेंटेशन तो नहीं यूज कर लिए चलो इग्नोर इट तो आज हम लोग बात करेंगे बेटा सीआरओ और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स की तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीआरओ अगर गेट या किसी भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें अक्सर हमें इस पर क्वेश्चन देखने मिलता है खास करके ऐसे एग्जाम्स जैसे जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट इंजीनियर इंजीनियरिंग सर्विसेज वहां पे आप अक्सर देखोगे कि सीआरओ के बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा क्योंकि ऐसे एग्जाम्स में ना मेजरमेंट का काफी हाई वेटेज रहता है तो आज इस टॉपिक को एंड टू एंड हम लोग क्लोज करने वाले हैं अलोंग अलॉन्ग क्वेश्चन और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स भी मैं आपको कवर कराने वाला हूं चलिए इससे पहले मैं शुरू करूं बेटा मैं आपको बता दूं कि अभी जो भी बच्चे सिक्स ऑफ जैन से पहले पहले, पहले अन अकेडमी ज्वाइन करते हैं दे आर गेटिंग ट्वेंटी थ्री परसेंट डिस्काउंट ठीक है तो आप न्यू ईयर ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री में हमारे साथ एक रेजोल्यूशन ले सकते हो भाई कि आप अपना 100% परसेंट देने वाले हो आप जम के मेहनत करने वाले हो और हमारे साथ मिलके एक टॉप रैंक गेट के अंदर अचीव करने वाले हो अगर आपका भी बेटा ऐसा इरादा है तो फटाफट फड़ से यू कैन बिकम अ पार्ट ऑफ एन अकेडमी सिंपली यूजिंग द कोड अंकित ई एस ई बहुत ईजी सा रास्ता है ठीक है जी चलो तो बेटा इससे पहले शुरू करें फटाफट फड़ से एक बार सभी लोग अटेंडेंस मार्क कर देंगे सेशन को लाइक करके और सभी जगह आप इस लिंक को शेयर कर देंगे सबको बता देंगे कि अंकित सर लाइव आ चुके हैं ताकि सभी बच्चे मेरे साथ इस सेशन में लाइव कनेक्ट हो पाए चलिए तो शुरू करते हैं बेटा तो सीआरओ का फुल फॉर्म क्या होता है सबसे पहले सीआरओ का फुल फॉर्म होता है बेटा कैथोड रे ऑसिलोस्कोप इसका फायदा क्या है ये डिस्प्ले कर सकता है वेब फॉर्म को यह वेब फॉर्म के मेजरमेंट में हमारी मदद कर सकता है वेब फॉर्म के एनालिसिस में हमारी मदद कर सकता है तो देखो जितने भी मीटर होते हैं एम मीटर वोल्ट मीटर वॉट मीटर वो वैल्यू तो डिस्प्ले करते हैं लेकिन कभी भी वेवफॉर्म के बारे में बात नहीं करते कभी भी ये हमको नहीं बताते कि कोई सिग्नल टाइम के साथ कैसे वेरी करता है तो ये वेवफॉर्म ये ग्राफ आपको दे सकता है सीआरओ तो सीआरओ जो है ना दो तरह की रिप्रेजेंटेशन देता है या तो आप कोई इनपुट सिग्नल टाइम के अगेंस्ट प्लॉट कर लीजिए जैसे साइनोमेगा टी है तो आप साइनोसोइडल ग्राफ ले लीजिए या फिर आप क्या कर सकते हो आप दो सिग्नल्स के बीच का ग्राफ भी प्लॉट कर सकते हो यानी कि वाई वर्सेस एक्स ग्राफ प्लॉट कर सकते हो जहां वाई और एक्स दोनों ही एक सिग्नल है ठीक है तो सीआरओ जो है ना वोल्टेज पे काम करता है लेकिन अगर आपके पास कोई नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी है जैसे टेम्परेचर है प्रेशर है फ्लोरेट है वेलोसिटी है कुछ भी अगर ऐसी क्वांटिटी है विच इज नॉट अ वोल्टेज देन आप ट्रांसड्यूसर से उसे वोल्टेज में कन्वर्ट कर सकते हो एंड देन यू कैन डिस्प्ले इट यूजिंग आ सी आर ओ बात समझ में आ गई तो आप सी आर ओ की मदद से उसको डिस्प्ले कर सकते हो तो देखो डिजिटल मीटर जो होते हैं ये तो सी आर ओ की बात हुई अभी मैं इंट्रोडक्शन की बात कर रहा हूं डिजिटल मीटर जो होते हैं वो क्या करते हैं वो एक डीसी वोल्टेज को रीड करके उसकी रीडिंग को डिस्प्ले करते हैं सेवन सेगमेंट डिस्प्ले पे सेवन सेगमेंट डिस्प्ले के बारे में बच्चों आपने ऑलरेडी सुना होगा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर तो ये डिजिटल मीटर ऐसा नहीं है कि डिजिटल मेजरमेंट लेते हैं ना ये मेजर एनालॉग वैल्यू ही करते हैं बट इंटरनली उसको डिजिटल में कन्वर्ट करते हैं बाय मीन्स ऑफ एन एडीसी और उसके बाद उस डिजिटल डेटा को डिस्प्ले करते हैं ऑन अ सेवन सेगमेंट डिस्प्ले बट आपने देखा होगा जो आपके पास डिजिटल मल्टीमीटर आता है बेटा वो वैरायटी ऑफ क्वांटिटी मेजर करने के काम में आता है जैसे रेजिस्टेंस इंडक्टेंस कैपेसिटेंस करंट वोल्टेज ये सारी चीजें मेजर करने के काम में आता है कैसे वो हर क्वांटिटी को पहले कन्वर्ट करता है एक डीसी वोल्टेज में एंड आफ्टर दैट उसको डिजिटल में कन्वर्ट करेगा डिजिटल में कन्वर्ट करने के बाद उसे एक प्रोसेसर से पास करके इट विल डिस्प्ले ऑन अ सेवन सेगमेंट डिस्प्ले ठीक है तो आज हम दो तरह के इंस्ट्रूमेंट्स की बात करेंगे सीआरओ और डिजिटल मीटर चलिए तो सीआरओ का फायदा क्या होता है सीआरओ से हम लोग शुरू कर रहे हैं तो बेटा ना सिर्फ ये डिस्प्ले करता है ये को स्टोर भी करता है और दो वेब को यह कंपेयर भी कर सकता है साथ साथ वेब के अलग अलग पैरामीटर हमको देता है जैसे पीक टू पीक वोल्टेज आर वोल्टेज टाइम पीरियड फेस शिफ्ट इस तरह के पैरामीटर्स भी हम लोग यहां से डिराइव कर सकते हैं तो ऐसा मत सोचो कि सी तो बस वेब को डिस्प्ले करता है का एनालिसिस भी करता है इसके फायदे क्या होते हैं भाई एडजस्टेबल यानी आप यहां पे डिसाइड कर सकते हो आपका स्केल क्या होगा स्केल का यहां पे देखो सिग्निफिकेंस क्या होता है ना जो आपकी सीआरओ की स्क्रीन होती है मेरे बच्चों सीआरओ की स्क्रीन एक ग्रिड होती है ग्राफ की तरह होती है कैसे होती है एक ग्राफ की तरह होती है बात समझ में आ रही है एक ग्राफ की तरह होती है आपकी सीआरओ की स्क्रीन तो इसके अंदर देखो जब आप बचपन में ग्राफ बनाते थे आपको याद है आपको स्केल लिखना होता था स्केल लिखने का क्या मतलब होता था कि भाई एक्स एक्सेस में एक बॉक्स का क्या मतलब है और वाई एक्सेस में एक बॉक्स का क्या मतलब है यही स्केल होता था वही सीआरओ में स्केल होता है तो एडजस्टेबल स्केल का मतलब है यू कैन डिसाइड कि एक्स एक्सेस पे एक डिवीजन क्या वैल्यू रखती है और वाई एक्सेस में एक डिवीजन क्या वैल्यू रखती है इसका फायदा क्या है इसका फायदा मेरे बच्चों ये होता है कि आप छोटी और बड़ी वैल्यू दोनों को डिस्प्ले कर सकते हो चेंजिंग द स्केल है ना अगर किसी मीटर का फिक्स्ड कैलिब्रेशन होगा तो वो उसके बाहर वैल्यू तो नहीं रीड कर सकता ना लेकिन यहां तो इसका स्केल मैं चेंज कर सकता हूं आप ऐसा सोच लो इस इंस्ट्रूमेंट का रेजोल्यूशन हमारे कंट्रोल में है वरना हर इंस्ट्रूमेंट का रेजोल्यूशन फिक्स होता है और जब रेजोल्यूशन फिक्स हो जाए तो आप मर्जी की वैल्यू रीड नहीं कर सकते पावर कंजन इसका बहुत कम है सीआरओ को क्या होता है ना सप्लाई देनी पड़ती है जैसे आपके घर के अंदर जो एसी पावर सप्लाई है वो आप कनेक्ट करोगे तब ये वेव को डिस्प्ले करेगा सप्लाई की वेव नहीं सप्लाई से तो एनर्जी ले रहा है अब आप इसके अंदर जो भी वेब लगाओगे उस वेब को यह डिस्प्ले करेगा लेकिन ये सप्लाई से बहुत ज्यादा एनर्जी खींचता नहीं है बहुत कम एनर्जी खींचता है इसकी मेंटेनेंस की जरूरत नहीं होती भाई सालों साल ये लैब के अंदर रखे रहते हैं काम करते रहते हैं कोई रिपेयरिंग की जरूरत नहीं पड़ती है इसका रिस्पॉन्स बहुत फास्ट होता है भाई रिस्पॉन्स फास्ट होने का क्या मतलब है कि जैसे ही आपका इनपुट सिग्नल आप लगाओगे या इनपुट सिग्नल वैरी करेगा तुरंत इसकी वेव बदल जाएगी कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से इसकी रीडिंग पे असर नहीं आता यानी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इसकी रीडिंग को डिस्टर्ब नहीं करती इसका रेजोल्यूशन बहुत हाई होता है यानी छोटी से छोटी वैल्यू को रीड कर सकता है सेंसिटिविटी हाई है जैसे ही इनपुट चेंज करोगे तुरंत इसका आउटपुट बदलेगा एक्यूरेसी हाई है बहुत यह वेब फॉर्म को मॉनिटर कर सकता है लीनियर डिवाइस है यानी आउटपुट इज प्रपोर्शनल टू द इनपुट तो ढेर सारे बेनिफिट होते हैं सीआरओ के बट सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि बाकी मीटर्स के कंपेरिजन में इसका फायदा यह हेयर यू कैन सी द वेरिएशन ऑफ अ सिग्नल विद द टाइम बट इन अदर मीटर्स यू जस्ट गेट टू अंडरस्टैंड द वैल्यूज अब देखो सीआरओ का सर्किट कुछ ऐसा होता है सीआरओ के अंदर सबसे पहले होता है बेटा एक इलेक्ट्रॉन गन ठीक है फिर आता है कैथोड ग्रिड मैं एक एक करके सारे पार्ट समझाऊंगा फिर आता है प्री एक्सेलरेशन एनोड फिर आता है फोकस एनोड फिर आता है एक्सेलरेटिंग एनोड फिर आती है भैया हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट फिर आती है वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट फिर आती है एक्वाडेक फिर आती है स्क्रीन विच इज अ फॉस्फर कोटेड स्क्रीन और बीच में कैथोड ग्रेड और हॉरिजॉन्टल प्लेट के बीच में लगता है एक सर्किट कॉल्ड एज द ब्लैंकिंग सर्किट हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल प्लेट्स के बीच में एक सर्किट लगता है कॉल्ड एज द सिंक्रोनाइजर ठीक है सिंक्रोनाइजर तो ये सारे सर्किट होते हैं वन बाय वन आप सारे समझोगे तो देखो सबसे पहले अगर आप इस फिगर को देखो और अच्छे से समझ आएगा सबसे पहले आपके पास एक हीटर है हीटर क्या करता है एक मटेरियल को गर्म करता है जिससे कि थर्मायनिक एमिशन होता है यानी इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं ड्यू टू हीट जनरेटेड तो यहां पे क्या हो रहा है यहां पे हीटर हीट सा मटीरियल हीटर हीट सा मटीरियल सो दैट सो दैट इलेक्ट्रॉन आर जनरेटेड by means of thermionic emission by means of thermionic emission ठीक है थर्माइनिक एमिशन की मदद से यहां पे इलेक्ट्रॉन्स आपके जनरेट होते हैं इसके आगे के पार्ट्स भी आप देख सकते हो कैथोड ग्रेड आ गया प्री एक्सलेशन एनोड फोकस एनोड एक्सेलरेटिंग एनोड वर्टिकल प्लेट हॉरिजोंटल प्लेट फिर एक्वाडेग कोटिंग और फॉस्पर कोटेड स्क्रीन फॉस्पर कोटेड स्क्रीन ठीक है तो ये होता है आपका पूरा का पूरा सीआरओ. श्वेता आई हैव ऑलरेडी कवर्ड एसी एंड डीसी ब्रिजेस यस्टरडे एट टू थर्टी पी एम वी हैड अ मैराथन ऑफ थ्री एंड हाफ आवर्स इन विच वी हैव कवर एसी एन डीसी ब्रिजेस ये क्लियर हुआ भाई इलेक्ट्रॉन गन का काम क्या है एक्चुअली ये जो सीआरओ होता है ना इट वर्क ऑन ऑफ सी आर टी कैथोड रे ट्यूब कैथोड रे का मतलब क्या होता है बच्चों कैथोड रे का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन बीम ठीक है कैथोड रे का मतलब क्या होता है इलेक्ट्रॉन बीम तो इसके अंदर क्या होता है ना इलेक्ट्रॉन की बीम एमिट होती है जिसको कंट्रोल करके मैं स्क्रीन पे कोई ग्राफ कोई वेवफॉर्म फॉर्म डिस्प्ले कर सकता हूं दैट इज द मीनिंग ऑफ कैथोड रे अगर आप देखो जो पुराने मॉनिटर्स होते थे हमारे सीपीयू के साथ जो मॉनिटर लगता था बड़े बड़े बल्की होते थे इसके अलावा जो पुराने टीवीज होते थे बेटा देवर ऑल सीआरटी कैथोड रे ट्यूब कभी अगर आपने उसको रिपेयर होता देखा हो ना तो उसके अंदर आपको ऐसा ही स्ट्रक्चर दिखेगा पीछे इतना लंबा नहीं होगा ये वाला पार्ट बहुत बड़ा होता है ये वाला पार्ट थोड़ा छोटा ही रहता है तो इस टाइप का स्ट्रक्चर ही उसके अंदर खोल के देखोगे तो नजर आएगा अब तो जमाना बदल गया यार, LCD, LED, OLED, बहुत सारी चीजें चल गई लेकिन पहले जमाने में ना सी आर टी का ही यूज होता था अब वो अलग बात है बेटा लैब्स के अंदर अभी भी सीआरओ यूज हो रहा है कोई एल सी डी एल ईडी स्क्रीन तो नहीं आई है तो वहां ये अभी भी प्रैक्टिकली यूज किया जाता है ठीक है जी तो अब देखो कैथोड ग्रिड का क्या काम है कैथोड ग्रिड जो है ना नेगेटिव पोटेंशियल पे ऑपरेट करती है अब अगर आप इसका नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ाओगे यानी इसको और ज़्यादा नेगेटिव करोगे तो ये इलेक्ट्रॉन गन से आने वाले इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगी रिपेल करेगी जब इलेक्ट्रॉन गन से आने वाले इलेक्ट्रॉन रिपेल होंगे तो आपके कम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंटर कर पाएंगे अगर कम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंटर करेंगे कैथोड रे ट्यूब के अंदर तो आपके डिस्प्ले की ब्राइटनेस कम हो जाएगी बिकॉज ब्राइटनेस इज प्रपोर्शनल टू इंटेंसिटी विच इज प्रपोर्शनल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ठीक है तो यहां पर हम लोग क्या बोलते हैं कि भाई ड्यू टू नेगेटिव पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव पोटेंशियल ऑफ कैथोड ग्रिड ऑफ कैथोड ग्रिड ठीक है इट रिपेल्स इट रिपेल्स इलेक्ट्रॉन सो लेस इलेक्ट्रॉन आर एबल टू एंटर सीआरओ ठीक है तो ब्राइटनेस ज प्रपोर्शनल टू इंटेंसिटी इज प्रपोर्शनल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो आप इससे ब्राइटनेस कंट्रोल कर सकते हो ठीक है कैथोड ग्रिड के लिए वो क्या करेगा ना सप्लाई आपको जो फ्रंट पैनल होगा सीआरओ का उस पर एक डायल दे देगा उस डायल को आप रोटेट करके क्या करोगे उस डायल से आप इस कैथोड ग्रिड का पोटेंशियल बदल सकते हो और कैथोड ग्रिड का जब आप पोटेंशियल बदलोगे देन यू कैन कंट्रोल द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट आर एंटरिंग द आर बेटा कैथोड ग्रिड सिर्फ एक इलेक्ट्रोड है ठीक है एक इलेक्ट्रोड है बेसिकली दो इलेक्ट्रोड है जिसपे नेगेटिव पोटेंशियल लगा के रखा है सो दैट इट कैन रिपेल द इलेक्ट्रॉन्स दैट आर एंटरिंग द सी आर ओ तो कैथोड ग्रिड इज नथिंग बट टू इलेक्ट्रोड्स अब प्री एक्सलरेटिंग और एक्सलरेटिंग एनोड देखो क्या होता है जब आप मटेरियल को हीट करते हो तो उसमें से इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को मिल जाती है आयोनाइजेशन एनर्जी तो जब ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं ना मटेरियल से इनके पास बहुत थोड़ी सी काइनेटिक एनर्जी होती है बहुत कम अमाउंट में इनके पास काइनेटिक एनर्जी होती है यानी इनकी स्पीड बहुत ही कम होती है और स्पीड कम होने के कारण दे आर नॉट ईजिली एबल टू रीच द स्क्रीन इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट कराना होता है अब इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट कैसे कराते हैं बाय ऑफ एक्सेलरेटिंग एंड प्री एक्सेलरेटिंग एनोड एक्सेलरेटिंग और प्री एक्सेलरेटिंग एनोड की मदद से इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट कराते हैं अब इसमें हम लोग क्या कहते हैं जो एनोड से जब इलेक्ट्रॉन पास होगा तो जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आएगा दैट विल गेट कन्वर्टेड टू द काइनेटिक एनर्जी अब आप ये देखिए ना जब आप एक एनोड को क्रॉस करोगे ऑब्वियसली आपका पोटेंशियल बदल रहा है एनोड पे आपका पोटेंशियल वी ए है और दूर जाने पे आपका पोटेंशियल जीरो है तो जो भी आपके पोटेंशियल में चेंज आया उससे पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज आया दैट गेट्स कन्वर्टेड टू काइनेटिक एनर्जी जिससे हम इलेक्ट्रॉन की स्पीड को बढ़ा सकते हैं तो यहां पे देखो हमने यही किया है हाफ एम वी स्क्वायर इज क्यू वी ए हम ये मान रहे हैं कि पहले उसकी काइनेटिक एनर्जी ना के बराबर थी जीरो थी इसीलिए चेंज इज इक्वल टू हाफ एम वी से जब हम वेलोसिटी निकालते हैं मेरे बच्चों तो वेलोसिटी आती है अंडरू टू क्यू वी ए बाई एम अब क्यू क्या है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन टू दावर माइनस नाइनटीन एम क्या है मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन नाइन पॉइंट वन इंटू टेन टू द पावर माइनस थर्टी वन तो हमने दो इलेक्ट्रोड्स लगाए ताकि ज्यादा एक्सेलरेशन दे पाए एक प्री एक्सेलरेटिंग एनोड और एक एक्सेलरेटिंग एनोड मुझे बताओ ये बात क्लियर हुई क्या जल्दी से बोलो इलेक्ट्रॉन की एक्सेलरेशन का पर्पस और इलेक्ट्रॉन की एक्सेलरेशन क्लियर हुई या नहीं हुई जल्दी बोलेंगे सभी लोग कम ऑन एवरीवन फटाफट बताइए भाई क्लियर है सबको एक बार सभी लोग कंफर्म कर दो यार एक सौरभ और कुंवरी थोड़ी ना है क्लास के अंदर चल अब फोकस एनोड देखो फोकस एनोड का क्या मतलब होता है जो आपके इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं ना इलेक्ट्रॉन बीम से मैं ये नहीं चाहता ये चारों तरफ चारों तरफ स्कैटर हो जाए क्योंकि अगर बेटा ये स्क्रीन पे चारों तरफ पूरी स्क्रीन पे जाके टकराएंगे तो क्या होगा जगह 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 ब्राइट स्पॉट बन जाएंगे है ना लेकिन मुझे क्या चाहिए मुझे चाहिए एकदम शार्प वेवफॉर्म यानी ऐसा सोचो अगर आपको ऐसे एक साइन का ग्राफ चाहिए तो आप क्या चाहते हो कि एक समय पे सारे इलेक्ट्रॉन इसी पॉइंट पे स्ट्राइक करें फिर इस पॉइंट पे करें फिर इस पॉइंट पे करें फिर इस पॉइंट पे यानी इलेक्ट्रॉन्स मस्ट बी फोकस्ड टू स्ट्राइक एट अ सिंगल पॉइंट अलग अलग टाइम पे अलग अलग जगह करेंगे बट एक टाइम पे एक मोमेंट पे दे मस्ट स्ट्राइक एट अ सिंगल पॉइंट तो इलेक्ट्रॉन्स को फोकस करना बहुत ज्यादा जरूरी है इसको फोकस कैसे करते हैं अब आप एक चीज देखिए ना अगर आप चाहते हो कि इलेक्ट्रॉन किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे पहुंचे तो आपको इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगाना पड़ेगा अब इलेक्ट्रॉन पे दो ही फील्ड ऐसी हैं जो फोर्स लगा सकती हैं एक इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरी है मैग्नेटिक फील्ड तो जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड की मदद से इलेक्ट्रॉन के मोशन को गाइड करते हो और सभी इलेक्ट्रॉन्स को एक पॉइंट पे टकराने के लिए मजबूर करते हो दैट इज सेट टू बी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोकस दैट इज सेट टू बी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोकस अब ये जो फोकस वाला पार्ट है ये हम लोग ऑप्टिक्स में भी पढ़ते थे ऑप्टिक्स में हम क्या कहते थे जब कोई लाइट रेज इंफिनिटी से आ रही होती है तो एक लेंस से गुजर के कहां जाके सारी कन्वर्ज हो जाती है एट द फोकल पॉइंट ऑफ द लेंस तो आप यहां पे उससे एनालॉजी ले सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर मैग्नेटिक फील्ड की मदद से आप बेसिकली एक लेंस टाइप का फंक्शन क्रिएट कर रहे हो जहां पे जितने भी इलेक्ट्रॉन्स आपके आ रहे हैं दे आर गोइंग टू कन्वर्ज एट अ सिंगल पॉइंट तो इसीलिए यहां पे लिखा है इज वर्किंग ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डबल कॉनकेव लेंस डबल कॉनकेव का मतलब क्या होता है जिसके दोनों सर्फेसेस कॉनकेव होते हैं ऐसे आप बनाते थे ना कॉनकेव लेंस ऐसे तो उसको डबल कॉनकेव कहते हैं बिकॉज बोथ सरफेसेज आर कॉनकेव अब जैसा मैंने बताया आपके पास दो तरीके हैं करने के एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक मैग्नेटिक फील्ड तो सीआरओ में कौन सा फोकस यूज हो रहा है बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोकस यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइज फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन अप्लाइज फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जिम्मेदारी है भाई ठीक है जी अब यहां पे आप क्या कहते हो कि अगर आप इस एनोड का पोटेंशियल बदलोगे तो आप फोकल पॉइंट शिफ्ट कर सकते हो क्योंकि बेटा देखो आपको हर बार अलग अलग पॉइंट पे कन्वर्ज कराना है ना इलेक्ट्रॉन को अभी आप बोल रहे हो कि लेंस के फोकस पे ही सब कुछ जाएगा बट फिर भी मुझे अलग अलग पॉइंट पे पहुंचना है तो क्या मतलब हुआ कि आपको फोकल पॉइंट एडजस्ट करना पड़ेगा तो फोकल पॉइंट आप कैसे एडजस्ट करोगे बाई एडजस्टिंग द पोटेंशियल ऑफ द फोकसिंग एनोड इसका पता है क्या फायदा होता है कई बार ना आपकी वेब फॉर्म एकदम ब्लर्ड बनती है अब वेब फॉर्म जब ब्लर्ड बनती है आप उसे शार्प करना चाहते हो शार्प पता है क्यों करना चाहते हो अगर ब्लर्ड वेब फॉर्म है ना तो आप इसकी हाइट तरीके से समझ पाओगे ना आप इसका टाइम पीरियड अच्छे से समझ पाओगे आप ऐसे सोचो अगर मैं आपको ऐसी वेब फॉर्म बना के दे दूं, देखना अब आप इसका मैक्सिमा कैसे समझोगे बताओ समझ रहे हो जितना ये थिक होती जाएगी यानी जितना ये शार्प नहीं रहेगी ब्लरी रहेगी हम इसका हाइट इसकी वेथ इसका पीरियड फ्रीक्वेंसी, कुछ भी जज नहीं कर सकते इसीलिए हमको क्या चाहिए होता है ना शार्प वेवफॉर्म चाहिए होती है और उसके लिए फोकसिंग एनोड काम आता है, है ना या फिर अगर आप देखोगे कंप्यूटर या टीवी की स्क्रीन है बेटा अगर वहां ब्लर्ड इमेज बनने लगे तो हमारा पूरा एक्सपीरियंस खराब हो जाएगा हमें मजा ही नहीं आएगा टीवी देखने में तो इसीलिए टीवी पिक्चर ट्यूब में कौन सा फोकस होता है इलेक्ट्रो फोकस और जो कंप्यूटर वाली स्क्रीन आती थी जो बड़ी बड़ी पुरानी उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक और इलेक्ट्रो दोनों यूज होते थे तो सीआरओ में कौन सा फोकस है बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक टीवी पिक्चर ट्यूब में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंप्यूटर टीआरटी के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक एज वेल एज इलेक्ट्रो मुझे बताओ ये फोकस वाला पार्ट समझ आया क्या बोलो फटाफट बेसिकली आप एक इलेक्ट्रिक फील्ड की मदद से इलेक्ट्रॉन्स को एक पॉइंट पे कन्वर्ज करा रहे हो ताकि आपको शार्प इमेज मिल पाए अगर इलेक्ट्रॉन तितर बितर हो जाएंगे स्कैटर हो जाएंगे तो वेवफॉर्म ब्लरी बनेगी इट विल नॉट बी शार्प अब अगली चीज होती है बेटा एस्टिगमेटिज्म ये क्या चीज है सर एस्टिगमेटिज्म बेटा एक ऑप्टिकल डिफेक्ट होता है व्हाट इज दिस दिस इज एन ऑप्टिकल डिफेक्ट लोगों की आई साइट में अक्सर देखा जाता है इस ऑप्टिकल डिफेक्ट के अंदर क्या होता है ना हमें सब चीजें ब्लरी नजर आती हैं क्या होता है हमें सब चीजें ब्लरी नजर आती हैं अब देखो आपको पता है फोकसिंग आपको कैसे करनी है फोकसिंग आपको करनी है बेटा बाय मीन ऑफ फोकसिंग एनोड ठीक है फोकसिंग एनोड अब फोकसिंग एनोड जो है आपका वो क्या करेगा वो वेब को ब्लड से शार्प बनाएगा कैसे जैसे जैसे आप उसका वोल्टेज एडजस्ट करोगे वैसे वैसे फोकल पॉइंट एडजस्ट होगा और आपकी वेवफॉर्म शार्प बनेगी अगर मान लो वे फॉर्म एकदम ब्लर्ड बन रही है तो उसे शार्प करने के लिए आप फोकसिंग एनोड का काम करोगे लेकिन अगर वेब फॉर्म में हल्का सा ब्लरीनेस है मतलब अच्छी वेब फॉर्म बन रही है बट बहुत हल्की सी वो ब्लर्ड नजर आ रही है तब हम एस्टिगमेटिज्म कंट्रोल का यूज करते हैं इसमें क्या होता है जो हमारी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स होती हैं उन पे हम स्मॉल डीसी पोटेंशियल अप्लाई करते हैं छोटा सा डीसी पोटेंशियल लगा देने से वेवफॉर्म फॉर्म को शार्प किया जा सकता है बहुत माइनर एडजस्टमेंट जब चाहिए तो माइनर एडजस्टमेंट के लिए किसका यूज करते हैं कंट्रोल का और जब मेजर एडजस्टमेंट चाहिए होता है तब फोकस एनोड का इसीलिए इसको बोलते हैं ना फॉर फाइन फोकस कंट्रोल फाइन का मतलब होता है बहुत माइनर बहुत माइन्यूट लेवल पे बारीकी से अगर आपको फोकस चेंज करना है बहुत छोटा चेंज अगर आपको चाहिए तो एस्टिकमेटिजम कंट्रोल बाय बायस ऑफ अ डीसी वोल्टेज अदरवाइज अगर लार्ज चेंज चाहिए फोकस में तो आप क्या यूज करेंगे तब आप बेटा यूज करेंगे फोकसिंग एनोड चमका जल्दी से बोलो इन दोनों का काम बेटा फोकस और शार्पनेस बढ़ाना ही है लेकिन यहां से शार्पनेस या फोकस में लार्ज चेंज आता है यहां पे आपको स्मॉल चेंज मिलता है अगला आता है भाई हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स अब देखिए क्या होता है जब कभी बच्चों हमको वेफ फॉर्म बनानी होती है तो वेब फॉर्म बनाने के लिए हमारे पास दो एक्सेस होती हैं, वाई एक्सेस और एक होती है आपकी एक्स एक्सेस अब एक्स एक्सेस जरूरी है तभी एक ग्राफ डिस्प्ले किया जा सकता है अब आप एक चीज देखिए बेटा जब कभी हम कोई ग्राफ बनाएंगे तो मैं ऊपर नीचे भी मूव कर रहा हूं और मैं लेफ्ट टू राइट भी जा रहा हूं करेक्ट मेरे पेन की जो टिप है उसके दो मोशन है एक वर्टिकल और एक हॉरिजोंटल और ये वर्टिकल और मोशन मिल करके ही इस पूरे ग्राफ को बना पाते हैं अब आप ऐसे समझो जैसे होली की पिचकारी होती है ना अब मान लो आपसे मैं कह दूं बेटा पिचकारी से आपको ना कोई वेव फॉर्म बनानी है तो पिचकारी से जो पानी निकल रहा है आप उसको इलेक्ट्रॉन समझो तो आपको क्या करना है अगर साइन वेव बनानी है तो इलेक्ट्रॉन को आपको एक साइन कर्व में मूव करना है साइन कर में मूव करने का मतलब है ऊपर नीचे भी मूव करना है और दाएं बाएं भी मूव करना है ये जो दाएं बाएं वाला मोशन है लेफ्ट राइट right वाला मोशन है हॉरिजोंटल मोशन है यह कराती है हॉरिजोंटल डिफ्लेक्शन प्लेट्स जैसे फिगर आपको नजर आ रही है इसमें यह है हॉरिजोंटल डिफ्लेक्शन प्लेट्स हॉरिजोंटल डिफ्लेक्शन प्लेट्स इनका काम बस ये होता है इलेक्ट्रॉन बीम को हॉरिजोंटली मूव कराना और ये कैसे कराती है इलेक्ट्रिक फील्ड की मदद से कैसे कराती है इलेक्ट्रिक फील्ड की मदद से तो यहां पे आप एक वोल्टेज कनेक्ट करके रखते हो बेटा ऐसे जैसे आपने ऐसे एक वोल्टेज जोड़ दी तो अब इस वोल्टेज को आपने जोड़ा है ये प्लेट वर्टिकल रखी है ये प्लेट वर्टिकल क्यों रखी है बेटा जब प्लेट वर्टिकल होगी तभी उनके बीच की फील्ड कैसी होगी हॉरिजोंटल ठीक है तभी उनके बीच की फील्ड कैसी होगी रिजोंटल तो दीज प्लेट्स आर कैप्ट वर्टिकल टू जनरेट हॉरिजोंटल फील्ड समझे हॉरिजोंटल फील्ड तब बनेगी जब प्लेट्स हमारी वर्टिकल होंगी चमका ये बात तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की मदद से इलेक्ट्रॉन बीम को हॉरिजोंटली मूव कराती है अब इस पे जो सप्लाई लगती है ना बेटा वो लगती है टूथ सिग्नल ठीक है तो टूथ सिग्नल लगाया जाता है हॉरिजॉन्टल प्लेट्स पे ऐसा क्यों अब इसका भी लॉजिक समझिए बेटा जब आप सॉटूथ सिग्नल को देखते हो सॉटूथ की जगह इसको रैंप भी कह सकते हो तो जैसे जैसे सॉटूथ सिग्नल या रैंप सिग्नल का वोल्टेज बढ़ते जाता है ना वैसे वैसे आपके हॉरिजॉन्टल प्लेट्स की इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ती है हॉरिजॉन्टल प्लेट्स इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ती है इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती है तो इलेक्ट्रॉन बीम पे फोर्स भी ज्यादा लगता है तो आप इलेक्ट्रॉन बीम को मूव भी ज्यादा करा सकते हो तो बेसिकली आपकी जो इलेक्ट्रॉन बीम है बेटा वो लेफ्ट टू राइट मूव कर जाएगी वेन यू अप्लाई फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन बीम हॉरिजोनटली लेकिन जब आपको लेफ्ट टू राइट मूव कराना है तो लगातार आपको फोर्स को भी बढ़ाना पड़ेगा फोर्स बढ़ाने के लिए फील्ड बढ़ानी पड़ेगी और फील्ड बढ़ाने के लिए आपको हॉरिजोनटल प्लेट पर लगाई हुई वोल्टेज बढ़ानी पड़ेगी तो सर यह लगातार क्यों नहीं इंक्रीज की वापिस क्यों आई बेटा अगर आप हॉरिजोंटली मूव करते करते स्क्रीन के अंत तक पहुंच गए तो वापस से वेब आपको स्टार्ट करनी पड़ेगी लेफ्ट से वापस से वेब आपको स्टार्ट करनी पड़ेगी लेफ्ट से तो वापस आने के लिए आपको इस सिग्नल को जीरो करना पड़ेगा जीरो करने का मतलब है कुछ ड्यूरेशन में इसको रिट्रेस टाइम कहते हैं छोटे से ड्यूरेशन में हमें वापस आना पड़ेगा एट जीरो समझे आपको वापस आना पड़ेगा भैया स्क्रीन तो लिमिटेड ही है चलते थोड़ी चले जा सकते हैं आगे तो जब आप स्क्रीन के एंड पे आ गए तब आपको वापस आना है कॉल्ड टाइम दिस इज वेरी वेरी स्मॉल यानी झटपट फटाफट वापस आते हैं वापस धीरे धीरे नहीं आते हैं ठीक है ये बहुत छोटा होता है अब फराज पूछ रहे हैं सर इलेक्ट्रॉन बीम को कंट्रोल कौन करता है कंट्रोल करने का मान... मतलब क्या है बताओ हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रॉन गन ने जनरेट किया उसके बाद एनोड्स ने उसको एक्सलरेट किया हॉरिजॉन्टल प्लेट हॉरिजॉन्टल मूव कराएगी वर्टिकल प्लेट वर्टिकली मूव कराएगी कैसा कंट्रोल चाहिए बताओ इसमें कंफ्यूजन क्या है सेमेस्टर एग्जाम है तो सेमेस्टर एग्जाम दो गई अब घर थोड़ी बैठोगे तो देखो यही चीज लिखी है हॉरिजॉन्टल प्लेट्स आर कैप्टन वर्टिकल पोजिशन टू जनरेट हॉरिजॉन्टल फील्ड सो दैट इलेक्ट्रॉन बीम कैन बी डिफ्लेक्टेड हॉरिजॉन्टली टू जनरेट एक्स एक्स ऑफ द फॉर्म क्योंकि हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन किसके लिए चाहिए बेटा एक्स के लिए ठीक है इन ऑर्डर टू मूव इलेक्ट्रॉन बीम हॉरिजॉन्टली आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाना पड़ेगा जिसके लिए आपको पोटेंशियल बढ़ाना पड़ेगा और पोटेंशियल बढ़ाने का मतलब है आप क्या लगाओगे टूथ लगाओगे लेकिन जैसे ही आप स्क्रीन के एंड पे पहुंचोगे आपको वापस ओरिजिन पे आना पड़ेगा और वापस ओरिजिन पे आने के लिए आपको फटाफट पोटेंशियल को रिड्यूस करके जीरो करना पड़ेगा तो मुझे बताओ यहां तक बात क्लियर है या नहीं है यह लाइन आपको हमेशा याद रहनी चाहिए कि हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट्स पे एक सॉटूथ या रैंप सिग्नल लगाया जाता है अब देखो ड्यूरिंग फ्लाई बैक का मतलब है जब आप वापस आ रहे हो वापस कहां आ रहे हो ओरिजिन पे उस समय पे यह चीज यूजर को नहीं नजर आनी चाहिए यूजर को वेब फॉर्म लेफ्ट टू राइट ही दिखनी चाहिए ना कि राइट टू लेफ्ट अगर बेटा वापस आते हुए कोई भी इलेक्ट्रॉन स्क्रीन तक पहुंचा तो आपको नजर आ जाएगा क्योंकि जहां इलेक्ट्रॉन स्क्रीन पे टकराएगा वहां ब्राइटनेस पैदा होगी और यूजर को समझ आ जाएगा कि वे फॉर्म जारी है राइट right से लेफ्ट इसका मतलब है बेटा राइट right से लेफ्ट जाते हुए कोई भी इलेक्ट्रॉन स्क्रीन तक ना पहुंचे और इलेक्ट्रॉन्स को रोकने की जिम्मेदारी होती है किसकी ब्लैंकिंग सर्किट की इसीलिए ये कहां कनेक्ट किया जाता है बेटा हॉरिजॉन्टल प्लेट और कैथोड ग्रिड के बीच में तो ये हॉरिजॉन्टल प्लेट से इंफॉर्मेशन लेके कैथोड ग्रिड को बताएगा कि भाई अगले दो सेकंड तुझे कोई इलेक्ट्रॉन अंदर नहीं जाने देना तो कैथोड ग्रिड का पोटेंशियल बढ़ जाएगा और वो किसी भी इलेक्ट्रॉन को अंदर नहीं आने देगी समझे बात समझ में आई क्या हुआ ये ब्लैंकिंग सर्किट की जिम्मेदारी यही है जो आपका रैम्प का रिडक्शन वाला टाइम है जो रिट्रेस टाइम है उस रिट्रेस टाइम के अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन स्क्रीन तक ना पहुंचे इसके लिए ये कैथोड ग्रिड को इन्फॉर्म करता है जिसका नेगेटिव पोटेंशियल अंदर आने वाले इलेक्ट्रॉन्स को रोक लेता है अब यहां पे जो सॉट सिग्नल आप लगा रहे हो ये हम बाहर से नहीं देते हैं सिग्नल सीआरओ के अंदर ही जनरेट होता है सीआरओ के अंदर एक ऑसिलेटर लगा रहता है जिसकी जिम्मेदारी होती है ये सॉटूथ सिग्नल को बनाना रिलैक्सेशन ऑसिलेटर कौन से होते हैं बेटा जो कि स्मिट ट्रिगर से बनते हैं ये मैंने एनालॉग में भी बताया था ना दो तरह के ऑसिलेटर होते हैं हार्मोनिक ऑसिलेटर जो साइन वेव जनरेट करते हैं और जो स्मिट ट्रिगर से बनते हैं या स्क्वायर वेव टाइप की वेव फॉर्म देते हैं दे आर द रिलैक्सेशन ऑसिलेटर अब ये सॉटूथ का टाइम पीरियड यू कैन चेंज बाय चेंजिंग द सिंक्रोनाइजर आउटपुट आपने देखा था ना सिंक्रोनाइजर लगा था बिटवीन द हॉरिजॉन्टल एंड द वर्टिकल प्लेट तो समझ आया जो दो सर्किट मैंने दिखाए थे एक ब्लैंकिंग सर्किट एक सिंक्रोनाइजर उनका पर्पस क्या है ब्लैंकिंग सर्किट क्या कह रहा है ड्यूरिंग फ्लाई बैक या फिर रिट्रेस टाइम में कोई इलेक्ट्रॉन अंदर ना आए तो वो ये बात कैथोड ग्रिड को समझा रहा है और कैथोड ग्रिड इलेक्ट्रॉन को रोक रही है रिट्रेस टाइम में और सिंक्रोनाइजर आउटपुट क्या कर रहा है सोटूथ सिग्नल का आउटपुट पीरियड चेंज कर रहा है अब आते हैं वर्टिकल प्लेट्स पे अब देखो वर्टिकल प्लेट्स पे ना वही सिग्नल अप्लाई किया जाता है जो हमको डिस्प्ले करना है जो आप डिस्प्ले करना चाहते हो कहां लगाओगे वर्टिकल प्लेट पे अब देखो लॉजिक क्या है हॉरिजॉन्टल प्लेट पे आपने एक्स को रखा टी एक्स को क्या रखा टी रैम सिग्नल की यही इक्वेशन होती है ना भाई टी यू टी तो एक्स पे रखा टी y पे आपने वही सिग्नल लगाया जो डिस्प्ले करना था सपोज साइन ओमेगा टी एक्चुअली सीआरओ क्या करता है ना बेटा सीआरओ हमेशा ग्राफ ड्रॉ करता है बिटवीन वाई एंड एक्स वाई एंड एक्स अगर बेटा आपको वाई वर्सेस टी चाहिए तो आप एक्स पे क्या लगाओगे टी लगाओगे इसीलिए एक्स पे आपने सॉटूथ या रैम सिग्नल लगाया था ठीक है तो so, मैं क्या बोल रहा हूं सीआरओ ऑलवेज प्लॉट्स सीआरओ ऑलवेज प्लॉट्स ग्राफ बिटवीन वाई एंड एक्स प्लेट सिग्नल सो सो टू प्लॉट so to plot graph between y and t x equal to t समझ आया लॉजिक सीआरओ को मतलब नहीं होता बेटा कि y वर्सेस t कर रहे हो x वर्सेज t कर रहे हो क्या कर रहे हो अगर आपको ग्राफ चाहिए तो सीआरओ हमेशा y और x के बीच का ग्राफ बनाता है अगर आपको y वर्सेज t चाहिए तो x पे t लगाओगे विच इज अरा सिग्नल आप समझे सोटूथ ही क्यों लगाया बढ़ा तो पैराबॉलिकली भी सकते थे बट फिर भी हमने लीनियरली बढ़ाया क्योंकि हमें एक्स को टी लाना था चमका के नहीं चमका बताओ क्लियर हो गया अच्छे से पुष्पाशीष कह रहे हैं सर सीआरओ का पहला डायग्राम दिखा दीजिए हाँ, ये लो भाई ठीक है ये ब्लैंकिंग सर्किट हॉरिजॉन्टल प्लेट और कैथोड ग्रेड के बीच में ये सिंक्रोनाइजर बिटवीन हॉरिजॉन्टल एंड द वर्टिकल प्लेट्स क्लियर है बताओ बोलो भाई पुष्पाशीष आशीष ये वाला डायग्राम देख लो चला जाए आगे चलिए सब लोगों को क्लियर हो रहा है ना भाई अब देखो ये जो वर्टिकल प्लेट्स होती है ना बेटा इनको हॉरिजॉन्टली रखा जाता है क्यों ताकि इनके इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बने वर्टिकल तो ये जो वर्टिकल प्लेट्स होती हैं दे आर हॉरिजॉन्टली टू जनरेट वर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड ये जो मैं सीआरओ का पूरा कंस्ट्रक्शन बता रहा हूं ना बेटा ये एक नंबर का सवाल पूछा जा सकता है इसीलिए कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है वरना मैं इतना डिटेल में कवर ही नहीं करता लॉजिकल चीजें इसीलिए समझा रहा हूं ताकि एग्जाम में आपको याद रहे क्या नहीं समझ आया भाई पुष्पाशीष बताओ तुम भाई अलग ही लेवल पे लैक कर रहे हो अभी तुम्हें सीआरओ का पूरा डायग्राम देखना था वो देख लिया अब कह रहे हो ये नहीं समझ आया क्या नहीं समझ आया बताओ बोलो फटाफट रैंप वाला अरे भाई पुष्पाशीष आपको ग्राफ मिलेगा वाई वर्जेज एक्स का आप कह रहे हो नहीं सर मुझे तो वाई वर्जिस टी चाहिए तो मैं कह रहा हूं एक्स को टी रख दो एक्स इक्वल टू टी माने रैम्प ही तो हुआ इसीलिए तो हॉरिजॉन्टल प्लेट्स पे रैम्प सिग्नल लगाया इसीलिए तो सॉ टूथ सिग्नल लगाया यही तो तब से समझा रहा हूं cro हमेशा दो सिग्नल देखता है वाई एक्सिस का और एक्स एक्सिस का दोनों के बीच के ग्राफ प्लॉट कर देता है बट आप कह रहे हो नहीं सर हमें तो टाइम के अगेंस्ट चाहिए तो एक्स को टी रख दो खत्म ठीक है अब ये मैंने आपको ब्लैंकिंग सर्किट का तो बता ही दिया है भाई कि फ्लाईबैक के टाइम पे इलेक्ट्रॉन बीम का मोशन विजिबल नहीं होना चाहिए इसीलिए आप क्या करते हो आप एक ब्लैंकिंग सर्किट लगाते हो बिटवीन हॉरिजॉन्टल प्लेट्स एंड कैथोड ग्रेड जिससे फ्लाईबैक में कोई इलेक्ट्रॉन एंट्री ना करे अब फॉस्फर कोटेड स्क्रीन देखो फॉस्फोरस कोटिंग क्यों की जाती है जब ये इलेक्ट्रॉन बेटा एक्सलरेट होके आते हैं हॉरिजोंटल और वर्टिकल प्लेट से भी गुजर के आते हैं तो वॉट दे हैव इज द काइनेटिक एनर्जी अब ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही स्क्रीन को स्ट्राइक करते हैं इनकी काइनेटिक एनर्जी ना कन्वर्ट हो जाती है हीट एनर्जी में जिससे मेरी स्क्रीन गर्म होने लगती है अब स्क्रीन पे क्या होते हैं बेटा फॉस्फोरस के अलग अलग टाइप के मॉलिक्यूल हो सकते हैं अब जब उन्हें हीट मिलती है तो उस मोलिक्यूल के अंदर का जो इलेक्ट्रॉन है ना वो लोअर ऑर्बिट से कूद करके एक हायर ऑर्बिट में जंप कर जाता है तो इलेक्ट्रॉन आपका हायर ऑर्बिट चला गया यानी अब उसके पास हायर एनर्जी है अब वो इलेक्ट्रॉन जब वापस आएगा ना लोअर ऑर्बिट में तो वो एनर्जी को रिलीज करेगा इन द फॉर्म ऑफ लाइट किसकी फॉर्म में रिलीज करेगा लाइट की फॉर्म में रिलीज करेगा एंड व्हेन इट रिलीजेज द लाइट देन यू विल सी द लाइट डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन तो पहले क्या हुआ काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन गेट्स कन्वर्टेड टू हीट एनर्जी उस हीट एनर्जी से फॉस्फोरस का इलेक्ट्रॉन एक्साइट हायर ऑर्बिट में गया एंड व्हेन इट इट रिटर्न्स टू लोअर ऑर्बिट द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट ठीक है तो यही चीज हमने लिखी है अब यहां पे फॉस्फोरस के अलग अलग मॉलिक्यूल्स का आप यूज कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन आपको कैसा डिस्प्ले चाहिए तो पी फोर मॉलिक्यूल फॉर ब्लैक एंड व्हाइट डिस्प्ले सिक्स फॉर अ कलर डिस्प्ले पी इलेवन जनरल परपज सीआरओ पी फिफ्टीन हाई फ्रीक्वेंसी या सैम्पलिंग सीआरओ इसका मतलब है इनपुट सिग्नल हैज हाई फ्रीक्वेंसी सीआरओ के अंदर क्या होता है ना बेटा अभी मैं आपको आगे बताऊंगा उसकी फ्रीक्वेंसी लिमिट होती है यानी एक फ्रीक्वेंसी से अधिक फ्रीक्वेंसी वो नहीं डिस्प्ले कर सकता तो ये जो हाई फ्रीक्वेंसी सीआरओ होंगे इनकी लिमिट ज्यादा होगी बेटा इंस्ट्रूमेंटेशन में भी है इलेक्ट्रिकल में भी है और इसी वालों में भी है बट फॉर अदर एग्जाम्स P31 स्टोरेज सी स्टोरेज सी के अंदर क्या होता एग्जाम वेब को ना सिर्फ डिस्प्ले करता है बल्कि उसको स्टोर करके भी रख सकता है इन द फॉर्म ऑफ डिजिटल रजिस्टर्स अब आता है एक्वाडा ग्रेफाइट कोटिंग तो ये देखो ये जो ब्लू वाला पोर्शन दिख रहा है ना आपको यहां पे एक्चुअली हमने क्या कर रखा है ना यहां पे एक्चुअली हमने ऐसे कोटिंग दे रखी है क्या होता है हर जो इलेक्ट्रॉन स्क्रीन पे टकरा टकराता है उसमें से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन ना रिफ्लेक्ट होके रिफ्लेक्ट होके क्या होते हैं जमा हो जाते हैं क्या होते हैं रिफ्लेक्ट होके जमा होने लगते हैं अब अगर बेटा इन इलेक्ट्रॉन्स ने स्क्रीन के पास अपना यूनियन बना लिया तो ये किसी नए इलेक्ट्रॉन को आने नहीं देंगे अगर इलेक्ट्रॉन आगे आ नहीं पाएंगे तो आपका तो डिस्प्ले बंद हो जाएगा इसके लिए आप क्या कहते हो कि ये जो इलेक्ट्रॉन स्क्रीन से टकरा के भागे हैं जिन्होंने यूनियन बनाया है इनको एब्जॉर्ब करना पड़ेगा ताकि ये एक जगह जमा ना हो जाए वो किसकी जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी होती है एक्वाडेक ग्रेफाइट कोटिंग की एक्वाडेक ग्रेफाइट इज नथिंग बट अ मटेरियल विच हैज अ हाई एफिनिटी फॉर एब्जॉर्बिंग द इलेक्ट्रॉन्स तो जितने भी इलेक्ट्रॉन टकरा के आते हैं उनको ये खा जाता है ताकि इलेक्ट्रॉन न्यूट्रैलिटी आपकी बनी रहे ठीक है तो यहां पे क्या हो रहा है इट विल मेंटेन दिस विल मेंटेन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी ठीक है यह बात भी चमक गई अच्छे से चलिए जी ठीक है तो ये सारे पार्ट्स होते हैं बेटा आपके सीआरओ के जो कि आपको पता होने चाहिए अब डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी क्या होती है देखो ये ना आपकी वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स है क्या है वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट्स जिनका काम है बेटा इलेक्ट्रॉन बीम को वर्टिकली डिफ्लेक्ट कराना वर्टिकली डिफ्लेक्ट कराना अब यहां पे क्या होता है देखो जो इलेक्ट्रॉन आया वो ऐसे आया इस पे इन्होंने फोर्स लगाया तो ये ऐसे चला गया अब बात ये आती है कि ये स्क्रीन पे जाके कितनी हाइट पे टकराता है दिस डी इज द डिफ्लेक्शन तो डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी का मतलब है कि भैया कितना डिफ्लेक्शन मिलेगा विद रेस्पेक्ट टू विद रेस्पेक्ट टू द वोल्टेज विद रेस्पेक्ट टू द वोल्टेज यानी कितनी वोल्टेज लगाने से कितना डिफ्लेक्शन आता है दैट इज योर डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी अब यहां पे देखिए कुछ चीजें हैं ये एल डी एल डी क्या है लेंथ ऑफ द डिफ्लेक्शन प्लेट्स फिर एल डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द प्लेट्स ठीक है डी डी इज द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स तो आपको ना ये फॉर्मूला याद करना है बेटा एल एल डी वी वाई बाई टू डी वी ए जो डिफ्लेक्शन आता है दैट इज एल एल डी वी वाई बाई टू डी वी ए बात क्लियर हुई एल एल डी वी वाई बाई टू डी वी ए क्लियर हुआ ना तो यहां पे अगर आपको सेंसिटिविटी निकालनी है भाई सेंसिटिविटी हो जाएगी डिफ्लेक्शन अपॉन वोल्टेज तो एल एल डी बाई टू डी वी ए ठीक है ये सेंसिटिविटी हो गई और इसकी यूनिट होती है मिलीमीटर mm पर वोल्ट मिलीमीटर mm पर वोल्ट अब ऐसी एक टर्म और होती है बेटा डिफ्लेक्शन फैक्टर क्या होता है डिफ्लेक्शन फैक्टर ठीक है डिफ्लेक्शन फैक्टर जो होता है दैट इज रिटर्न एज वन बाय एस वोल्ट पर एम यूनिट रिवर्स हो गई ना वोल्ट पर एम ये बात क्लियर है uh, सर ये ब्लू लाइट का सीन है बोला जाता है स्क्रीन ब्लू लाइट एमिट करता है बेटा देखो स्क्रीन जब लाइट एमिट करता है वही लाइट तो आपकी नज़रों में जाती है ठीक है तो स्क्रीन किसी ना किसी फ्रीक्वेंसी की लाइट तो एमिट करेगा तो वहां पे जो मोस्ट डोमिनेंट लाइट होती है दैट इज द ब्लू लाइट बाकी ये सब चीजें जो है ना अलग से कवर कर लेंगे यार ये जो जनरल नॉलेज वाली चीजें हैं जो इंजीनियरिंग का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है इसके लिए भी मैं कुछ प्लानिंग कर रहा हूं उसको अच्छे से कवर करेंगे बट रेगुलर लेक्चर्स में इस सबको इंक्लूड करके ना कोई पॉइंट है नहीं क्योंकि अभी हमें गेट फोकस रखना है ठीक है तो ये फॉर्मूला याद रखना ये सीआरओ का पहला फॉर्मूला है अब देखो कुछ स्पेशल टाइप के सीआरओ होते हैं एक होता है डुअल ट्रेस सीआरओ ये डुअल ट्रेस सीआरओ का क्या सेंस होता है कि यह दो वे फॉर्म आपको डिस्प्ले करके दे सकता है क्या कर सकता है ये दो वे फॉर्म आपको डिस्प्ले करके दे सकता है सर कैसे बेटा यहां पे क्या होता है ना वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट तो एक ही है आपके पास मतलब दो ही प्लेट का सेट है आपके पास बट उस प्लेट पे जो आप सिग्नल लगा रहे हो वो सिग्नल आप अपनी मर्जी से चूज कर सकते हो बाय मीन्स ऑफ अ मल्टीप्लेक्सर तो यहां पे ना आपने टू एस टू वन मक्स लगाया जिसमें यहां पे आपने कंट्रोल सिग्नल दे दिया इसको ch लिखते हैं चैनल अब आपके जो दोनों चैनल के इनपुट है सीआरओ का जो फ्रंट एंड होता है ना उसपे दो इनपुट आपको दिखते हैं सी एच वन और सी एच टू सी एच वन और सी एच टू दोनों पे आपने ना अलग अलग सिग्नल लगा रखा है जैसे एक पे मान लो साइन वेव लगाई है एक पे आपने स्क्वायर वेव लगाई है अब आप इस कंट्रोल सिग्नल से डिसाइड कर सकते हो आपको कौन सा वेव डिस्प्ले करना है अगर आपने इस कंट्रोल को सी एच वन पे सेट किया तो यानी सी एच वन वाला जाएगा तो ये जो सिग्नल है ये कहाँ जा रहा है ये जा रहा है टू वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट्स तो अगर आप सी एच वन को चूज करोगे तो आपका सी एच वन वाला यानी साइनोसोइडल सिग्नल आपका वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट्स पे पहुंचेगा और आपको साइन नजर आएगा और अगर आपने सी एच टू को चूज किया तो स्क्वायर वेव पहुंचेगा बट इसके अंदर एक मोड होता है जिसको हम लोग कहते हैं ऑल्ट मोड ऑल्ट मोड ऑल्ट मोड में क्या होता है ना अगर आप ऑल्ट मोड सेट कर दोगे तो ये जो कंट्रोल सिग्नल है ये अपने आप ऑसिलेट करता रहेगा बिटवीन जीरो एंड वन जीरो एंड वन तो ये आधे टाइम के लिए देखो आपको साइन दिखाएगा बाकी आधे टाइम के लिए स्क्वायर दिखाएगा तो यहां पे जैसे ही वन किया तो सी एच वन सिलेक्ट हो गया जीरो किया तो सी एच टू सिलेक्ट हो गया फिर वन किया तो फिर सी एच वन अब यहां पे आप ये देखिएगा बेटा कि ये सो टूथ का टोटल टाइम टी है यानी हॉरिजॉन्टली जब आपकी बीम लेफ्ट टू राइट जा रही है तो टी पीरियड में जा रही है उस टी पीरियड में आपको दोनों वेव फॉर्म दिख रही है आधे पीरियड के लिए साइन और आधे पीरियड के लिए आपका स्क्वायर वेव तो यहां पे देखो यही है ईच वेब फॉर्म गेट्स डिस्प्लेड फॉर हाफ द पीरियड दोबारे से एक बार समझेंगे भाई आपके पास दो ऑप्शन है आप चाहो तो दोनों में से एक वेव फॉर्म को डिसाइड कर लो कौन सा डिस्प्ले करना है उसके लिए आप कंट्रोल सिग्नल को सेट कर दो सी एच वन या सी एच टू पे बट एक बटन होता है जिसका नाम होता है ए एल अगर आपने वो बटन दबा दिया तो ये कंट्रोल सिग्नल अपने आप सी एच वन सी एच टू में ऑसिलेट करता रहेगा और दोनों वेवफॉर्म आधे आधे पीरियड के लिए आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएंगी देन यू कैन सी बोथ द वेवफॉर्म वन आफ्टर अदर ये समझे डूएल ट्रेस का मतलब समझे भाई अगला होता है डूअल बीम CRO। आर बीम का मतलब होता है बेटा एक ही सीआारो के अंदर दो इनबिल्ट सिया होते हैं तो इसकी स्क्रीन भी दो हिस्सों में डिवाइडेड होती है इसके अंदर दो इलेक्ट्रॉन बीम होती हैं तो जब मैं दो वेम अप्लाई करता हूं एक वे फॉर्म ऊपर वाली स्क्रीन पे दिखती है और एक वेब फॉर्म नीचे वाली स्क्रीन पे दिखती है यहां ऐसी मजबूरी नहीं है कि एक समय पे एक ही वेब फॉर्म देख पाए आप दोनों वेब फॉर्म को साइमल्टेनियसली देख सकते हो तो इट विल हेल्प दिस विल हेल्प इन कंपैरिजन ऑफ टू वे समझे अगर आपको एक ही समय पे दोनों वे फॉर्म देखनी है तो फिर बेटा डुअल बीम सी आप लेंगे ठीक है अब अगला आता है हाई फ्रीक्वेंसी सीआरओ हाई फ्रीक्वेंसी या सैंपलिंग सीआरओ जैसा मैंने बताया बेटा हाई फ्रीक्वेंसी सीआरओ का मतलब इट कैन डिस्प्ले हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल अब हाई फ्रीकेंसी सिग्नल में क्या होता है ना अगर एक नॉर्मल सिग्नल सीआरों में लगा दो तो बेटा उसकी ब्राइटनेस बहुत कम होती है और सेकेंडली उसकी वेफॉर्म परफेक्ट नहीं दिखती है डिस्टोर्शन दिखता है अब क्योंकि सिग्नल बहुत रैपिडली चेंज कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन को स्क्रीन पे जल्दी से जल्दी पहुंचना होगा सेकेंडली इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होनी चाहिए इसके लिए इसके अंदर एक और एनोड एक्स्ट्रा रखा जाता है जिसको कहते हैं पोस्ट एक्सेलरेटिंग एनोड इसका पर्पस आपसे एक नंबर के सवाल में पूछेगा भाई इसका पर्पस क्या है फॉर ब्राइटनेस कंट्रोल ठीक है फॉर ब्राइटनेस कंट्रोल समझे तो इसकी इनपुट कैपेसिटेंस बहुत ही कम होती है ताकि उसको चार्ज और डिस्चार्ज बहुत इजीली किया जा सके बिकॉज द इनपुट इज चेंजिंग वेरी वेरी रैपिडली तो अगर आपके सीआरओ की कैपेसिटेंस को चार्ज और डिस्चार्ज होने में टाइम लग रहा है तो ये इनपुट सिग्नल के वेरिएशन को फॉलो ही नहीं कर पाएगा ट्रैक ही नहीं कर पाएगा क्योंकि कैपेसिटर धीरे धीरे चार्ज होगा धीरे धीरे डिस्चार्ज होगा इतने तो पता चलेगा इनपुट सिग्नल आपका बदल गया तो इनपुट कैपेसिटेंस वेरी लो है इसका रीजन क्या है फॉर फास्ट चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग और इसमें स्क्रीन पे कौन सी कोटिंग यूज करते हैं बेटा P15 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 इसीलिए यूज करते हैं क्योंकि बेटा ये जो है ना लाइट को कम देर तक रिटेन करती है कम देर तक क्यों रिटेन करना है क्योंकि भैया सिग्नल बहुत तेजी से बदल रहा है सिग्नल बहुत तेजी से बदल रहा है अगर सिग्नल बहुत तेजी से बदल रहा है तो स्क्रीन पे लाइट ज्यादा देर तक नहीं रहनी चाहिए जैसे ही सिग्नल बदले तुरंत आपकी इलेक्ट्रॉन बीम की पोजीशन भी बदलनी चाहिए इसके लिए आपका रिटेंशन थोड़ा कम रहना चाहिए हां भाई आ, क्लियर करा के ही मानेंगे क्यों नहीं करवाएंगे बताओ बात समझ में आ रही है आप क्या चाहते हो बेटा देखो अगर एक पॉइंट पे जहां लाइट पैदा हुई वो ज्यादा देर तक रह गई अब सिग्नल बदलेगा तो इलेक्ट्रॉन दूसरे पॉइंट पे टकराएंगे तो पीछे वाली लाइट ओझल हो जानी चाहिए गायब हो जानी चाहिए तभी तो आपको इलेक्ट्रॉन की नई पोजीशन समझ में आएगी इसके लिए आपको पी फिफ्टीन यूज करना पड़ता है पी फिफ्टीन क्या करता है इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को फटाफट लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करता है देखो बेसिकली ना आप ना लैग अवॉइड करना चाहते हो लैग अवॉइड करने का क्या मतलब है मान लो सिग्नल बदल गया लेकिन इधर सीआरओ पे जो वेफ फॉर्म डिस्प्ले हो रही है वो थोड़ा पीछे चल रही है पीछे क्यों चल रही है क्योंकि ये ज्यादा देर तक लाइट डिस्प्ले कर रहा है रिटेंशन का मतलब है ज्यादा देर तक लाइट डिस्प्ले करना तो आप क्या चाहते हो जैसे ही इलेक्ट्रॉन फटाक से स्क्रीन पे पहुंचे तुरंत वहां पे लाइट पैदा हो जाए अगर लाइट पैदा होने में थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा तो वेव फॉर्म आपकी थोड़ा सा पीछे चलेगी सिग्नल से और फिर मजा नहीं आएगा हमें रीडिंग्स करेक्ट नहीं मिल पाएंगी बात समझे कि नहीं समझे बताओ आपको हर चीज फास्ट चाहिए तो आपने कैपेसिटेंस लो रखा है आपने ऐसा मॉलिक्यूल यूज किया जो फटाफट काइनेटिक एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करेगा इसके अलावा इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने के लिए यू हैव यूज एक्सेलरेटिंग एनोड लास्ट होता है बेटा स्टोरेज सीआरओ इसमें मैंने क्या बताया ना सिर्फ ये वेब को डिस्प्ले करता है बल्कि वेब को स्टोर्ड भी रखता है वेब फॉर्म को किस फॉर्म में स्टोर करेगा इन द फॉर्म ऑफ डिजिटल रजिस्टर अब आता है कैलिब्रेशन कैलिब्रेशन का बेटा मतलब क्या होता है ना ये पता लगाना कि सी की एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल डिवीजन क्या मतलब रखती है या उसकी वैल्यू क्या होती है ठीक है तो आपको ये तो रखना ही पड़ेगा ना जब आप ग्राफ बनाते थे बचपन में तो आप लिखते थे ना कि एक्स स्केल क्या है और वाई स्केल क्या है वही चीज हम अभी भी बोल रहे हैं कि यह तो हिसाब रखना पड़ेगा तो इसके लिए क्या करते हैं ना इसके अंदर हम एक स्क्वायर वेव लगाते हैं ऐसी स्क्वायर वेव जिसका पीरियड और एम्पलीट्यूड हमको मालूम है तो यहां पे हम लोग स्क्वायर वेव लगाते हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी है वन किलोहर्ट्स यानि कि टाइम पीरियड इज वन मिली सेकेंड एंड वन वोल्ट मैग्नीट्यूड यानि कि टू वोल्ट पीक टू पीक ठीक है अब जब ये वेव हम लगाते हैं तो देखिएगा हमको कैसा डिस्प्ले मिलता है जैसे मान लो ऐसा डिस्प्ले आया मैं इसीलिए येलो में दिखा रहा हूं ताकि आपको डिस्प्ले समझ आए ठीक है अब यहां पे देखिए बेटा कि वर्टिकली कितने बॉक्सेस में वेवफॉर्म आ रही है वर्टिकली अगर आप देखोगे दो बॉक्सेस खा रही है यानी वर्टिकली देर आर टू डिविजन्स अब पीक टू पीक एम्पलीट्यूड आपने बोला है टू वोल्ट है यह आपने बोला है ना ये टू वोल्ट है तो मैं कहता हूं कि टू वोल्ट इक्वल टू टू डिवीजन वर्टिकली तो वर्टिकल स्केल कितना हो गया वन वोल्ट पर डिवीजन इससे आपको समझ आ गया कि y एक्सिस में एक बॉक्स का कितना वैल्यू है अब टाइम पीरियड है वन मिली सेकेंड आप ये देखिए हॉरिजॉन्टली भी एक पीरियड में ये दो बॉक्सेस खाती है वन मिली सेकेंड इक्वल टू टू डिवीजन। तो इसका हॉरिजॉन्टल स्केल क्या होगा पॉइंट फाइव मिली सेकेंड पर डिवीजन समझे कि नहीं समझे बताओ अब जब आप कोई अननोन सिग्नल लगाओगे ठीक है आप जब कोई अननोन सिग्नल लगाओगे तो अब आप उसके y और X के बॉक्सेस काउंट करके उसका भी बता सकते हो उसका पीरियड भी बता सकते हो आपकी मर्जी है जो भी पैरामीटर आपको चाहिए वो आप निकाल सकते हो तो आपने बेसिकली क्या किया पहले आपने एक नोन सिग्नल लगाया उससे आपने हाइट और विथ डिसाइड कर ली हाइट और विथ पता चल गई अब आप एक अननोन सिग्नल लगाओगे अब आप उसका एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी पता कर सकते हो क्योंकि आपको एक एक बॉक्स की वैल्यू मालूम है समझ गए तो कैलिब्रेशन का क्या मतलब है बॉक्सेस की वैल्यू डिसाइड करना बाय अ नोन सिग्नल बाय अ नोन सिग्नल ठीक है अब इसके बाद होता है देखो ऑफ अ सीआरओ जैसा मैंने आपको बताया सीआरओ की बैंडविड्थ लिमिटेड होती है इससे अधिक फ्रीक्वेंसी का अगर हम सिग्नल अप्लाई करें तो उसका वेवफॉर्म हमें डिस्टॉर्टेड नजर आएगा इट विल नॉट बी क्लियरली विजिबल तो यहां पे क्या होता है ना राइज टाइम इन टू बैंडविथ इज योर पॉइंट थ्री फाइव पॉइंट थ्री फाइव राइज टाइम किसका राइज टाइम ऑफ आ सी आर ओ ठीक है टी आर इज द राइज टाइम ऑफ सी आर ओ इस पे भी मैं आपको एक चीज बताता हूं बेटा कि जब आप कोई सिग्नल अप्लाई करते हो सिग्नल का खुद का भी तो कुछ राइस टाइम होगा सिग्नल को भी जीरो से वन जाने में या मिनिमम से मैक्सिमम जाने में कुछ टाइम लगेगा तो हमारा क्या होता है राइस टाइम ऑफ आउटपुट यानी जो सिग्नल डिस्प्ले हो रहा है इज इक्वल टू राइस टाइम ऑफ इनपुट का स्क्वायर राइस टाइम ऑफ सी का स्क्वायर ऐसे तो यानी क्योंकि सीआरओ का भी सर्टेन राइस टाइम है तो आपको आउटपुट सिग्नल पे जो राइस टाइम दिखता है ना जो डिस्प्ले पे राइस टाइम दिखता है वो एक्चुअली इनपुट का राइस टाइम नहीं होता उसमें सीआरओ का राइस टाइम भी इंक्लूडेड होता है ठीक है ये समझ आया दिस इज द राइस टाइम ऑफ सिग्नल डिस्प्लेड जो सिग्नल आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है उसका राइस टाइम है टी आर ओ टी आर आई क्या है भाई राइज टाइम ऑफ इनपुट सिग्नल टी आर ओ क्या है राइज टाइम ऑफ सिग्नल डिस्प्लेड अब इनपुट इंपिडेंस देखो सीआरओ की इनपुट इंपिडेंस हाई रखी जाती है ताकि इसका लोडिंग इफेक्ट एरर या लोडिंग एरर मिनिमम रहे लोडिंग एरर क्या था आपको याद है जैसे वोल्ट मीटर में भी हम कहते हैं कि आइडियली वोल्ट मीटर मस्ट बिहेव एज ओपन सर्किट लेकिन प्रैक्टिकली वोल्ट मीटर की भी सर्टेन इंपिडेंस होती है जिस कारण से वोल्ट मीटर में कुछ ना कुछ करंट जाता है जिस कारण से जो रीडिंग आती है दैट इज नॉट द एग्जैक्ट रीडिंग तो आप ये चाहते हो ना सीआरओ में आपको एकदम एग्जैक्ट रीडिंग मिले सीआरओ में एग्जैक्ट रीडिंग पाने का क्या जुगाड़ है कि इसका इनपुट इम्पिडेंस हाई होना चाहिए अब इसके इनपुट इम्पिडेंस में क्या क्या इंक्लूडेड होता है एक रेजिस्टेंस होता है एक कैपेसिटेंस होता है तो इसके इनपुट इंपिडेंस का जो रेजिस्टेंस है दैट लाइज इन द रेंज ऑफ ओम किस में लाई करता है बेटा मेगा ओम में और इनपुट कैपेसिटेंस पीको फरड में होता है क्योंकि आपका कैपेसिटेंस कम है क्योंकि आपका कैपेसिटेंस कम है तो जो आपका एक्सी होगा वन ओमेगा सी दिस विल बी वेरी वेरी हाई ये काफी हाई होगा सिंपल सा लॉजिक है ठीक है अब अगला होता है डीले लाइन इना सीआर लाइन का काम क्या होता है बेटा ये वर्टिकल जो सिग्नल है जो वर्टिकल प्लेट पे सिग्नल जा रहा है उसको हल्का सा डीले कर देता है क्यों डीले कर देता है क्योंकि हमेशा हमारी रिक्वायरमेंट ये होती है कि पहले आपके सीआरओ की टाइम एक्सिस बनेगी सॉटूथ वाली वेवफॉर्म पहले लगनी चाहिए और वर्टिकल वाला सिग्नल बाद में आना चाहिए यानी कि हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन ऑफ द बीम शुड ऑकर बिफोर द वर्टिकल डिफ्लेक्शन इसके लिए क्या करते हैं वर्टिकल प्लेट पे जो सिग्नल लगाया जाता है उसमें छोटू सा हम डीले इंसर्ट कर देते हैं बाय मींस ऑफ अ डीले लाइन अब ये डीले लाइन कैसे बनती है विद द हेल्प ऑफ एलसी कंपोनेंट एलसी कंपोनेंट जैसे याद है पावर सिस्टम में भी वेव प्रपोगेशन जब देखते हो तो आप कहते हो पहले आपने सप्लाई से इंडक्टर को एनर्जी दी फिर इंडक्टर ने कैपेसिटर को दी फिर कैपेसिटर ने अगले इंडक्टर को दी उसने अगले कैपेसिटर को दी ऐसे करके सिग्नल को प्रोपोगेट करने में या वेव को प्रोपोगेट करने में टाइम लगता है सेम ही कॉन्सेप्ट यहां यूज कर रहा हूं कि भाई आप क्या कर रहे हो एक एल नेटवर्क बना रहे हो जिसमें क्या हो रहा है सिग्नल को इंडक्टर से कैपेसिटर वापस कैपेसिटर से इंडक्टर फिर इंडक्टर से कैपेसिटर ऐसे प्रपोगेट करने में टाइम कंज्यूम हो जा रहा है तो इसीलिए आपने क्या इंसर्ट कर दिया डीले? अब लास्ट चीज होती है बेटा इसके कंस्ट्रक्शन में दैट इज द प्रोब अब सर ये प्रोब क्या चीज है बेटा प्रोब का मतलब क्या होता है कोएक्सियल केबल होती हैं, जिनका काम होता है फंक्शन जनरेटर के आउटपुट को सीआरओ से जोड़ना ये फंक्शन जनरेटर मैंने आपको एनालॉग में भी बताया था ऑसिलेटर में इट कैन प्रोड्यूस मल्टीपल वेवफॉर्म्स फॉर्म्स ये विभिन्न प्रकार की वेवफॉर्म फॉर्म बना सकता है जैसे कि टूथ साइनोसोइडल स्क्वायर वेव इस तरह की तो जब आपको सीआरओ में कोई वेवफॉर्म फॉर्म बनानी होती है ड्रॉ करनी होती है तो उसके लिए कहाँ से लोगे आउटपुट आप आउटपुट तो एक फंक्शन जनरेटर से लोगे तो फंक्शन जनरेटर का जो आउटपुट होता है ना उसको एक केबल के माध्यम से सीआरओ से जोड़ दिया जाता है अब प्रोब का इंपिडेंस भी हाई रखा जाता है ताकि इसका भी लोडिंग इफेक्ट कम रहे और इसके अंदर भी क्या होता है इसके अंदर भी एक रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस होता है तो देखो जैसे प्रोब का रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस हमने ऐसे दिखाया आर पी सी पी और ये सीआरओ का हमने दिखाया भाई आर इन सी इन ठीक है अब हम ये कहते हैं ना कि देयर विल बी नो फ्रीक्वेंसी एरर फ्रीक्वेंसी एरर तो आप जानते हो ना मैंने वोल्ट मीटर वगैरह में बता रखा है कि फ्रीक्वेंसी बदलने से अगर रीडिंग बदल जाए इफ फ्रीक्वेंसी एरर को कैसे एलिमिनेट करते हो कि भाई दोनों टाइम कांस्टेंट आपके इक्वल आ जाए यही तो तरीका होता है जिसको कहते हो फ्रीक्वेंसी इंडिपेंडेंट है फ्रीक्वेंसी एरर नहीं है डिस्टोरशन लेस ट्रांसमिशन है उसका यही तो फंडा है समझे तो प्रोब क्या है बेटा को केबल है इट इज जस्ट लाइक अ यूजी केबल जैसे आपकी यूजी केबल में होता था ना अंदर एक कोर होता था बाहर एक शीत होती थी बीच में एक इंसुलेटर होता था को केबल में भी यही होता है अंदर वाला कंडक्टर फॉरवर्ड कंडक्टर का काम करता है बाहर वाला जो शीत है वो रिटर्न कंडक्टर का, का काम करता है एंड बोथ आर सेपरेटेड बाय अ इंसुलेटर तो कोएक्सियल क्यों होती है क्योंकि दो सिलेंडर करंट कैरी करते हैं जिनकी एक्सेस सेम होती है दैट इज वाई कोएक्सियल केबल और दोनों सिलेंडर्स के बीच में क्या होता है इंसुलेशन ठीक है अब इसके हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं दैट इज कॉल्ड एज द लिजस पैटर्न देखो लिसाजस पैटर्न क्या होता है मैंने बताया सीआरओ हमेशा क्या करता है वाई और एक्स के बीच का ग्राफ प्लॉट करना चाहता है CR को नहीं है टाइम के अगेंस्ट प्लॉट करना उसको दोनों का सिग्नल अप्लाई कर दिए तो जो स्क्रीन पे ग्राफ बन के आता है ना दैट इज सेट टू तो बी लिजस पैटर्न यानी जो हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट्स हैं अब आप उन पे सीआरओ के अंदर जनरेट होने वाला सॉटूथ या रैंप सिग्नल नहीं लगा रहे हो बल्कि आप क्या कनेक्ट कर रहे हो आप एक्सटर्नली एक डिफरेंट सिग्नल कनेक्ट कर रहे हो जिससे कि आपका जो ग्राफ बन रहा है दैट दैट इज इज वाई एक्स सेट टू बी पैटर्न अब इसको कैसे ड्रॉ किया जाता है तो देखो पहला स्टेप क्या होता है जो भी आप सिग्नल लगा रहे हो ना एक्स और वाई प्लेट पे उसका एक टेबल बना लो टेबल बना लो अलग अलग टाइम पे इनकी वैल्यूज क्या है वी एक्स और वी वाई की जैसे मान लो साइन ओमेगा ही है तो जीरो डिग्री पे क्या है थर्टी डिग्री पे क्या है सिक्सटी नाइनटी ऐसे करके जीरो से थ्री सिक्सटी डिग्री तक चले जाओ यानी एक टाइम पीरियड आप कवर कर लो अब ये जो वी एक्स और वीवाई आए ना इनको आप एक ग्राफ पे प्लॉट करो जिसमें वी एक्स क्या बताएगा ग्राफ का एक्स कोऑर्डिनेट वी वाई क्या बताएगा वाई कोऑर्डिनेट अब आप इन एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स को आपस में जोड़ लो ये जो पॉइंट्स आपके आए एक्स और वाई कोऑर्डिनेट नहीं सॉरी आपके जो पॉइंट्स आए हैं उन पॉइंट्स को आप आपस में जोड़ लो इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ टाइम यानी जैसे जीरो डिग्री वाले से शुरू करो फिर थर्टी पे जाओ फिर सिक्सटी पे फिर नाइनटी पे फिर वन ट्वेंटी पे ऐसे पॉइंट्स को जोड़ते जोड़ते जो ग्राफ बनेगा दैट इज द लिसाजस पैटर्न समझे क्या करना है एक टेबल बनानी है टेबल में वैल्यूज लिखनी है अलग अलग टाइम पे एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस वाले सिग्नल की एक्स एक्सेस वाला पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट बताएगा y एक्सेस वाला y कोऑर्डिनेट बताएगा x और y कोऑर्डिनेट से पॉइंट प्लॉट करोगे और सभी पॉइंट्स को जोड़ करके जो ग्राफ आएगा दैट विल बी द लिसाजस पैटर्न अब ये देखिए यहां पे हम लोग साइनोसोइडल सिग्नल ले रहे हैं x प्लेट पे लगा रहे हैं vm x sin ओमेगा xt y एक्सेस पे vm y sin ओमेगा yt ठीक है तो इनिशियली क्या मान के चल रहे हैं या फिर हम लोग ऐसा कह रहे हैं फॉर अंडरस्टैंडिंग जो कॉन्सेप्ट हमको समझना है उसके लिए हम क्या कर रहे हैं उसके लिए ना मेरे भाई हम लोग वी एक्स को ले रहे हैं वी एम साइन ओमेगा टी और वी वाई को ले रहे हैं वी एम साइन ओमेगा टी प्लस वाई अब मेरा यहां पे ऑब्जेक्टिव क्या है देखो मैंने इनका एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी सेम कर दिया ठीक है मैंने यहां पे क्या कर दिया सेम एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी अब मेरा यहाँ पे क्या ऑब्जेक्टिव है मेरे बच्चों मेरा ऑब्जेक्टिव यहाँ पे ये है कि फाइ को वेरी करके ये देखना ग्राफ कैसे वेरी होता है ठीक है फाइ क्या है फाइ इज वेरिएबल मैं फाई को वेरी कर रहा हूँ समझ में आ रही है बात फाई की अलग अलग वैल्यूज पे मुझे ग्राफ समझने हैं जब दो साइनोसोइडल सिग्नल लगा रहा हूं जिनका एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी सेम है तो फेस शिफ्ट से लिसाज़स पैटर्न पे क्या असर आएगा क्लियर है ना ऑब्जेक्टिव ठीक है चलो फिर इसी बात पे शुरू किया जाए इसका ग्राफ बनाना सबसे पहले फाइव जीरो या थ्री सिक्सटी अगर रखें इसका मतलब क्या हुआ फाई को अगर आपने जीरो या थ्री सिक्सटी रखा तो एक्स और वाई पे आपके पास सेम सिग्नल आ गया ठीक है तो हम क्या कहेंगे वी एक्स या वी वाई इक्वल टू वी एक्स अब एज्यूम करते हैं सेम डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी सेम डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी का क्या मतलब है भाई ये तो वोल्टेज है ना बट ग्राफ पे तो वाई और एक्स चाहिए यानी डिफ्लेक्शन चाहिए हॉरिज़ॉन्टल और वर्टिकल डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी क्या होती है दैट इज डिफ्लेक्शन बाय वोल्टेज अगर सेंसिटिविटी सेम है तो बेटा डिफ्लेक्शन भी सेम आएगा जब वोल्टेज सेम है सोच के देखो सेंसिटिविटी सेम वोल्टेज सेम तो डिफ्लेक्शन भी सेम आप ऐसे लिख सकते हो ना डिफ्लेक्शन इक्वल टू सेंसिटिविटी इन टू वोल्टेज तो आप यहां पर यह कह सकते हो जब वोल्टेज सेम आ गई तो डिफ्लेक्शन विल ऑल्सो बी सेम और वाई इक्वल टू एक्स में आप जानते हो द्राफ विल बी आ स्ट्रेट लाइन द ग्राफ विल बी आ स्ट्रेट लाइन एट फोर्टी फाइव डिग्री टू द एक्स एक्सेस ठीक है लेकिन ना ये ग्राफ की जो लाइन बनेगी इसको आप इन्फिनिटी तक मत ले जाना भाई क्योंकि देखो वोल्टेज तो वी एम तक जा रही है ना वोल्टेज अगर वी एम तक जा रही है तो यानी डिफ्लेक्शन भी लिमिटेड होगा डिफ्लेक्शन भी तो लिमिटेड होगा अनलिमिटेड थोड़ी हो सकता है इनफाइनाइट डिफ्लेक्शन तो स्क्रीन ही सपोर्ट नहीं करेगी भाई स्क्रीन ही लिमिटेड है तुम्हारी लॉजिक क्लियर हुआ ठीक है तो यहां पे एक लिमिट है अब यहां पे देखो ग्राफ पे एरो भी दिखाए जाते हैं कैसे जब ओमेगा टी को जीरो से नाइन्टी लेके जाओगे तो आपका सिग्नल बढ़ते बढ़ते जीरो से मैक्सिमम जाएगा लो जी गया जीरो से मैक्सिमम फिर आप 90 से वन एटी जाओगे तो साइन का ग्राफ 90 से वन एटी में मैक्सिमम से वापस जीरो आता है लो जी आ गया वापस फिर वन एटी से टू सेवेंटी में साइन का ग्राफ देखो मैं <coughs> साइन का ग्राफ भी बना देता हूं टू सेवेंटी के बीच साइन का ग्राफ जीरो से नेगेटिव मैक्सिमम तक जाता है लोजी चला गया नेगेटिव मैक्सिमम और 270 से 360 ये वापस जीरो पे लौट के आता है चमका ये एरोस क्लियर हुए कि जीरो से 90 ग्राफ जीरो से मैक्सिमम गया 90 से 180 वापस जीरो पे आया 180 से 270 नेगेटिव मैक्सिमम तक गया और 270 से 360 वापस लौट के जीरो पे आया तो ये कहलाएगा आपका लिसाजस पैटर्न अगला बेटा जीरो से 90 या 270 से 360 मैं आपके लिए एक एज्यूम कर लेता हूं फाइव मैं आपको दोनों में फर्क समझा दूंगा फाइव मान लीजिए आपने लिया थर्टी डिग्री ठीक है एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूं ताकि मैं आपको ड्रॉ करके दिखा पाऊं वीएम साइन ऑफ ओमेगा टी वी वाई साइन ओमेगा टी प्लस थर्टी अब देखो मैंने आपको क्या बताया था ऐसी सिचुएशन में ना जब आप एक्स और वाई के बीच की इक्वेशन ना निकाल पाओ आप एक टेबल बना लीजिएगा ठीक है इस टेबल में आप क्या कीजिए तीन चीजें लीजिए अलग अलग टाइम पे एक्स और वाई की वैल्यू ठीक है ये ओमेगा टी तभी तो पॉइंट्स प्लॉट करोगे अब देखो क्या क्या ले रहे हैं जीरो डिग्री सिक्सटी डिग्री सिक्सटी सिक्सटी के गैप पे चलते हैं चलो नाइन्टी भी ले लेते ले हैं बीच में वन ट्वेंटी वन एट्टी टू फोर्टी टू सेवेंटी या चलो थ्री हंड्रेड ठीक है ये ले लिया हमने ठीक है भाई इतने वैल्यूज ले लिए सात ले लिए अब वी एक्स बताना अलग अलग ओमेगा टी पे जीरो पे ज़ीरो सिक्सटी पे रूट थ्री बाय टू वी एम रहेगा आगे नाइन्टी पे वी एम वन ट्वेंटी पे अगेन रूट थ्री बाय टू वी एम वन एट्टी पे जीरो टू फोर्टी पे माइनस रूट थ्री बाई टू वी एम थ्री ट्वेंटी पे अगेन माइनस रूट थ्री बाय टू वी एम ओमेगा प्लस थर्टी तो वी एम बाई टू सिक्सटी पे 90 हो जाएगा तो वी एम पे वन ट्वेंटी हो जाएगा तो रूट थ्री बाय टू वी एम वन ट्वेंटी पे वन फिफ्टी हो जाएगा तो वी एम बाई टू वन एट्टी पे टू हंड्रेड टेन हो जाएगा माइनस वी एम बाई टू फिर टू फोर्टी पे टू सेवेंटी हो जाएगा माने कि माइनस वी एम थ्री हंड्रेड पे थ्री थर्टी हो जाएगा ये हो गया ठीक है ये क्लियर हुआ मैंने सब में वैल्यू डाल दी अब मैं क्या करूंगा बच्चों अब मैं ग्राफ बनाऊंगा देखिएगा अब ना यहां पे मैं अपने लिए पतली पतली एक्सेस बना लेता हूँ देखो ये एक्सेस बहुत क्लियरली आपको नज़र नहीं आएंगी क्योंकि मुझे जो है ना ग्राफ पेपर की ज़रूरत है एक्चुअली इन सभी पॉइंट्स को अच्छे से प्लॉट करने के लिए तभी ये पॉइंट्स परफेक्टली नज़र आएंगे अभी तो मैं अंदाजे से बना रहा हूँ ठीक है हो सकता है एकदम एक्यूरेट ना आए ग्राफ तो डोंट माइंड इट एकदम एक्यूरेट हमको ना एक्चुअली चाहिए भी नहीं हमको अप्रॉक्सीमेट ही चाहिए जिससे हमको अंदाजा लगे कि ग्राफ दिखता कैसा है ठीक है भाई ये आया अब मैंने ये जो एक्सेस है ना ये वी एम बाई टू वी एम बाई टू के रेशियो में बनाई है है ना अब पहला पॉइंट देखिए जीरो कॉमा वी एम बाई टू यह आ गया ठीक है मैं बता रहा हूँ ना मैंने वी एम बाई टू वी एम बाई टू बनाया तो एक्स जीरो है वाई वी एम बाई टू

रूट थ्री बाय टू कॉमा वन बाय टू रूट थ्री बाय टू कॉमा वन बाय टू लो जी नहीं सॉरी रूट थ्री बाय टू एक्स कॉमा वन बाय टू तो यहां आएगा लो जी अब जीरो और माइनस वी एम बाय टू जीरो और माइनस वी एम बाय टू यह आ गया माइनस रूट थ्री बाय टू माइनस वी एम माइनस रूट थ्री बाय टू माइनस वी एम ये आ गया माइनस रूट थ्री बाय टू माइनस वी एम बाई टू ये आ गया और टू सेवेंटी अगर डालते ना तो ये माइनस वीएम आता है माइनस रूट थ्री बाय टू तो यहां आता तो ये पॉइंट्स मिल गए ना एक ही जैसे पॉइंट्स हैं दोनों जगह अब आपको इन पॉइंट्स को जोड़ना है तो देखो यहां पे एक्स वाई वाला जीरो कहां हो रहा है वन फिफ्टी डिग्री पे तो यह हाफ पे आएगा ठीक है तो इस टाइप का ना गंदा सा दिख रहा है लेकिन इस टाइप का एक एलिप्स बन जाएगा ठीक है अब यहां पे अगर आप पॉइंट्स देखते तो ये वाला पहला पॉइंट आया था फिर ये दूसरा फिर ये तीसरा फिर ये चौथा तो आपका ग्राफ बन गया ऐसे ठीक है तो जीरो से नाइनटी में क्या होता है क्लॉकवाइज एलिप्स इन फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट लॉजिक समझ आया कैसे बनता है लिसाजस पैटर्न प्रैक्टिकली एग्जाम में अगर दो फंक्शन दे देगा तो उसकी अलग अलग टाइम पे आप क्या करेंगे आप एक्स और वाई कोऑर्डिनेट निकालेंगे पॉइंट्स प्लॉट करेंगे और आपको शेप मिल जाएगा अब यहां पे एक चीज और है बेटा जब आपका फाइव टू सेवेंटी से थ्री सिक्सटी आएगा तब क्या होगा ना तब बेटा सेम ग्राफ बनता है बट एंटी क्लॉकवाइज़ एंटी क्लॉकवाइज एलिप्स इन फर्स्ट एंड थर्ड क्वार तो ग्राफ सेम ही होता है बस जीरो से नाइंटी में क्लॉक वाइज और टू सेवेंटी से थ्री सिक्सटी में एंटी क्लॉकवाइज क्लियर हो गया सबको अब अगला नाइनटी या टू सेवेंटी नाइन्टी या टू सेवेंटी अब देखिए वी एक्स कितना है वी एम साइन ओमेगा Vy कितना है भाई साइन ओमेगा प्लस नाइन टी यानी कॉस ओमेगा अब यहां तो इक्वेशन निकालना आसान है ना अगर दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दूं तो मैं टाइम को एलिमिनेट कर सकता हूं तो मैं कह सकता हूं वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर इज एक्चुअली इक्वल टू वी एम स्क्वायर तो ये तो सर्कल की इक्वेशन हो गई भाई सर्कल की इक्वेशन हो गई तो अब देखिए यहां पे क्या होता है ना 90 हो या 270 बनता सर्कल ही है बस फर्क क्या आता है ना सर्कल का ओरिएंटेशन बदल जाता है दोनों केसेस में ना एक्स और वाई में एक आपके पास सर्कल ही बनेगा बस पता है क्या 90 डिग्री के लिए सर्कल क्लॉकवाइज होगा और 270 के लिए इट विल बी एंटी क्लॉकवाइज ठीक है अगर पता है दोनों के मैग्नीट्यूड आप बराबर नहीं लेते ना तो यहां सर्कल नहीं बनता बल्कि इलिप्स बन रहा होता यहां पे सर्कल नहीं बनता बट इलिप्स बनता तो इफ एम्पलीट्यूड ऑफ बोथ साइनोसोइड्स ऑफ बोथ साइनोसोइड्स आर अन एक वी गेट एन एलिप्स देखो कैसे मैं आपको बता भी देता हूं जैसे वी एक्स होता ए साइन ओमेगा टी मान लो इसका एम्पलीट्यूड ए है वी वाई होता बी कॉस ओमेगा टी 90 डिग्री का शिफ्ट तो है तो यहां पे जो आपके पास इक्वेशन आती है ना आपका साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर वन होता है तो साइन बनाने के लिए वी एक्स बायरतेस बनाने के लिए वी वाई बाय बी करते तो ये आया ऐसे ये इक्वेशन ऑफ एलिप्स है ये क्या है आपका इक्वेशन ऑफ एलिप्स है इसमें क्या होता है ना अगर बी ग्रेटर देन a होता तो मेजर एक्सेस आपकी y एक्सेस होती मेजर एक्सेस समझते हो बताओ और ए ग्रेटर देन बी होता तो मेजर एक्सेस आपकी एक्स होती मेजर एक्सेस ना ये वाली लाइन होती है देखो मैं दिखा देता हूं मेजर एक्सेस ये वाली लाइन होती है दिस इज कॉल्ड एज द मेजर एक्सिस तो जैसे यहां पे मेजर एक्सिस आपकी फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रही है ना तो वहां पे मेजर एक्सेस या तो एक्स पे होती या तो वाई पे या तो एक्स पे होती या तो वाई पे तो सर्कल तभी बन सकता है जब दोनों का एम्पलीट्यूड बराबर हो ठीक है अब फाइव अगर वन एटी है तो देखो वी एक्स तो वी एम साइन ओमेगा वी वाई में क्या आएगा साइन ओमेगा प्लस वन एटी साइन ओमेगा प्लस वन एटी का मतलब हुआ माइनस साइन वन एटी का शिफ्ट का मतलब तो नेगेटिव ही होता है ना तो वी वाई इक्वल टू तो माइनस वी एक्स जिसका मतलब y इक्वल टू तो माइनस एक्स तो यहां से क्या बन जाएगा भाई यहां से एक स्ट्रेट लाइन आपके पास बन जाएगी विच विल लाई इन द सेकेंड एंड द फोर्थ क्वाड्रेंट ठीक है एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी 135 डिग्री पे विच विल इन द सेकेंड एंड द फोर्थ क्वार और आपको ये भी पता है ना ये अनलिमिटेड नहीं होती है भाई क्यों भाई आपको ये भी पता है ये अनलिमिटेड नहीं होती है ये लिमिटेड होती है कहां तक मैक्सिमम वैल्यू तक ही जा सकती है अब लास्ट केस होता है 90 से 180 या 180 से 270 यानी सेकेंड या फिर थर्ड क्वार तो यहां पर कुछ फाइव मान लो जैसे फाइव ले लो सपोज वन ट्वेंटी तो इससे वी एक्स तो हो जाएगा वीएम साइन ओमेगा टी वी वाई हो जाएगा ठीक है ये हो गया वीवाई अब यहां पे सबसे पहला काम क्या करना था भाई टेबल बनानी थी टेबल में तीन कॉलम होते हैं आपके करेक्ट ओमेगा टी वी एक्स और वी वाई जीरो डिग्री थर्टी सॉरी थर्टी नहीं सिक्सटी सिक्सटी के गैप पे हम ले रहे थे ना 90, वन ट्वेंटी वन 270, टू फोर्टी टू सेवेंटी थ्री हंड्रेड और थ्री सिक्सटी तो जीरो ही होता है अब आ, वी एक्स की वैल्यू जीरो रूट थ्री बाई टू वी एम नाइन्टी पे वी एम वन ट्वेंटी अगेन रूट थ्री बाई टू वी एम वन एटी जीरो टू फोर्टी माइनस रूट थ्री बाई टू वी एम टू सेवेंटी माइनस वी एम थ्री हंड्रेड माइनस रूट थ्री बाय टू वी एम इसमें वन ट्वेंटी एड कर लो तो रूट थ्री बाय टू वी एम फिर वन एट्टी यानी जीरो फिर 210 यानी माइनस वी एम बाय टू फिर 240 फोर्टी माइनस रूट थ्री बाय टू वी एम फिर थ्री हंड्रेड फिर थ्री सिक्सटी फिर थ्री नाइन्टी फिर फोर ट्वेंटी ये आ गया ठीक है मैंने सारी वैल्यूज निकालनी अब इसके बाद हमको क्या करना है भाई हमको यही सारी वैल्यूज एक ग्राफ पे शो करनी है बस इतना ही तो काम है हमारा यही सारी वैल्यूज एक ग्राफ पे डिस्प्ले करनी है ठीक हो मैंने क्या बताया था Vm बाई टू वी एम बाई टू के हिसाब से आप बना लो लाइनें बना लो ताकि एक ग्राफ पेपर वाली फ़ील आए थोड़ा सा उससे ना प्लॉटिंग थोड़ी इजी हो जाती है ठीक है ये बन गया अब पॉइंट्स देखिए जीरो कॉमा रूट थ्री बाई टू यानी वी एम के पास होगा ये आ गया रूट थ्री बाई टू कॉमा जीरो लो जी यह आ गया ठीक है वी एम कॉमा माइनस वी एम बाई टू तो एक्स एक्सेस पे वीएम माइनस वी एम, एम बाई टू ये आ गया रूट थ्री बाई टू और माइनस रूट थ्री बाय टू रूट थ्री बाय टू और माइनस रूट थ्री बाय टू ये आ गया जीरो कॉमा माइनस रूट थ्री बाय टू ये आ गया ठीक है माइनस रूट थ्री बाय टू कॉमा जीरो माइनस रूट थ्री बाय टू कॉमा जीरो ये आ गया माइनस वी एम कॉमा माइनस वी एम बाई टू सॉरी माइनस वी एम कॉमा वी एम बाई टू यह आ गया माइनस रूट थ्री बाय टू कॉमा रूट थ्री बाय टू यह आ गया ठीक है अब यहां पे देखो कैसा पैटर्न बनेगा आपका देखो यहां से चले 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 यहां से ऐसे आ गए ये बन गया ना एक एलिप्स इस बार अगर आप ध्यान से देखो बेटा जो आपका एलिप्स है वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है सेकंड एंड फोर्थ सेकंड एंड फोर्थ तो इसकी जो मेजर एक्सेस है ना दैट इज लाइंग इन द सेकंड एंड द फोर्थ क्वार्रेंट ये देखो ये इसकी मेजर एक्सेस है सेकेंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट फर्क क्या है भाई जो दो मैंने एक साथ केस आपको दिखाए हैं कि यहां पे जो आपके पास इलिप्स बनेगा दैट विल बी क्लॉकवाइज और इसमें एंटी क्लॉक आप चाहे ड्रॉ करके देखना दोनों में सेम आएगा ठीक है दोनों में सेम आएगा तो आपको पता होना चाहिए साज़ेस पैटर्न अगर किसी क्वेश्चन में दोनों फ्रीक्वेंसी सेम नहीं है तब भी वैल्यू प्लॉट करोगे स्टेशनरी दोनों में ही आएगा तब फिगर ऐसे आ जाती है जैसे आठ बन जाता है ऐसे प्रॉपर इलिप्स नहीं आता फ्रीक्वेंसी अलग अलग हो सकती है पैटर्न आपका स्टेशनरी ही रहेगा हाँ बेटा कल मैं सुबह आठ बजे लूंगा एक एम ए सेशन मेरे भाई तो कल सुबह आठ बजे फुर्सत से पूछना स्पेशल क्लास में ठीक है जीरो मिस्टेक हो तो सत्तर से पिचत्तर आ सकता है टॉपर से दस बारह मार्क्स का डिफरेंस मतलब टॉपर एट्टी सेवन एट्टी नाइन पे आ रहा है कि टॉपर सा सत्तर पिचहत्तर के बीच में आ रहा है बताओ टॉपर एट्टी से नाइन्टी के बीच आ रहा है या सेवनटी सेवनटी फाइव पर आ रहा है मतलब तुम अगर बेस्ट करोगे तब टॉपर से बारह नंबर गैप है या फिर तुम जब अभी हो अभी बारह नंबर के गैप पे हो अस्सी के आसपास है टॉपर तो बेटा कोशिश करो ना पहले सत्तर से पिछहत्तर की रेंज में तो एंटर करो टॉपर से डिफरेंस घटाओ अपनी एक्यूरेसी पहले बढ़ाओ और फिर ये देखो कि कंसिस्टेंटली कौन से सब्जेक्ट हैं जिनकी वजह से आपका अटेम्प्ट कम रह जा रहा है हो सकता है आपका किसी जैसे मेजरमेंट की वजह से अटेम्प्ट कम रह रहा हो हो सकता है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की वजह से रह रहा हो क्योंकि अगर देखो आप 100 परसेंट एक्यूरेट कर रहे हो या 90 परसेंट एक्यूरेट करके आप 70 मार्क्स ला रहे हो इसका मतलब है आपका अटैम्प्ट थोड़ा सा लेस है लेस किस वजह से होगा कि आपको वो क्वेश्चन आता नहीं होगा अगर ऐसे किसी पर्टिकुलर टॉपिक के क्वेश्चन है जो आपसे नहीं बन पा रहे हैं तो आप उन उनपे काम करो ठीक है अब देखिए लिसाजस पैटर्न का एप्लीकेशन क्या होता है कि दो साइनोसोइडल सिग्नल के बीच का फेस शिफ्ट आप निकाल सकते हो या फिर अनोन फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो फ्रॉम अ नोन फ्रीक्वेंसी अब ये देखिए अगर लिसाज़स पैटर्न फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में तब फेस शिफ्ट क्या है आपको दो चीजें देखनी होंगी बेटा चाहे एक्स में देखो चाहे वाई में एक तो इंटरसेप्ट एक मैक्सिमम वैल्यू इंटरसेप्ट और मैक्सिमम वैल्यू तो क्लॉकवाइज में जो फेस शिफ्ट आएगा दैट विल बी साइन इनवर्स एक्स वन बाय एक्स टू या फिर साइन इनवर्स वाई वन बाय वाई टू ये फॉर्मूला आपको याद रखना है अगर मेरे बच्चों एंटी क्लॉकवाइज है तब भी तो सेम ग्राफ बन ही सकता है सेम ग्राफ एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है तब आपका फेस शिफ्ट जो है वो होगा 180 एटी माइनस साइन इनवर्स सॉरी 180 माइनस नहीं 360 सिक्सटी माइनस तो देखो जो ग्राफ फाइव के लिए आता है ना वही ग्राफ थ्री सिक्सटी माइनस फाइव के लिए भी आता है समझ गए बस ओरिएंटेशन अलग हो जाता है माने कि जो ग्राफ थर्टी डिग्री के शिफ्ट के लिए है वही ग्राफ थ्री थर्टी के शिफ्ट पे भी होगा बस फर्क यह है कि थर्टी डिग्री वाले पे क्लॉक आएगा और थ्री थर्टी वाले पे एंटी क्लॉक वाइज अब सेकेंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर है तो क्लॉकवाइज में आपका फेस शिफ्ट होगा 180 माइनस साइन इनवर्स एक्स वन बाय एक्स टू या फिर 180 एटी माइनस साइन इनवर्स तो आपको क्या दो चीजें देखनी है एक तो एक्सेस पे इंटरसेप्ट और एक उसका पीक वैल्यू और एंटी क्लॉक के लिए क्या आएगा 180 एटी प्लस साइन इनवर्स एक्स वन बाय एक्स टू या फिर 180 एटी प्लस साइन इनवर्स ठीक है ये आएगा तो अगेन अगर आप देखोगे ना 360 में से इसको सिक्स करोगे तो अगला केस मिल जाएगा तो बेटा इसीलिए मैं बोल रहा हूं ना अगर थीटा के लिए जो ग्राफ है वही 360 सिक्सटी माइनस थीटा के लिए है बस जो थीटा के लिए ग्राफ है वो क्लॉकवाइज है तो 360 सिक्सटी माइनस थीटा का एंटी क्लॉकवाइज है ठीक है अब एक सेकेंड हा अनोन फ्रीक्वेंसी की अगर बात करें मान लो दो सिग्नल है अलग अलग फ्रीक्वेंसी के हैं तो इनकी फ्रीक्वेंसी का जो रेशो होता है एफ एक्स अपॉन एफ वाई दैट इज द रेशो ऑफ नंबर ऑफ वर्टिकल टेंजेंसी अपॉन हॉरिजॉन्टल देखो उल्टा है अगर एफ एक्स है तो ऊपर वर्टिकल टेंजेंसी लेनी है एफ वाई है तो हॉरिजॉन्टल टेंजेंसी अब ये टेंजेंसी क्या होती है आपको ना लिसाज़स पैटर्न दे देगा और किसी एक एक्सिस की फ्रीक्वेंसी दे देगा दूसरी एक्सेस की फ्रीक्वेंसी मांगेगा तो आप क्या करोगे एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल लाइन ऐसे ही ड्रॉ करोगे जो कि ग्राफ को मैक्सिमम पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे तो नंबर ऑफ इंटरसेक्शन इज इक्वल टू नंबर ऑफ टेंजेंसीज़। चमका चमका भाई बताइए मुझको तो आपको ना लाइन ड्रॉ करनी है ऐसी जो कि मैक्सिमम पॉइंट पे कट करे एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल तो जितने पॉइंट पे इंटरसेक्शन है उसी को टेंजेंसी बोलोगे तो देखो इससे पहले मैं इसके क्वेश्चन बता दू बेटा जो भी बच्चे ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव की तैयारी कर रहे हैं इस समय आपके पास मौका है टू गेट ट्वेंटी थ्री परसेंट ऑफ इन द न्यू ईयर ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री ये ऑफर सिर्फ छह जनवरी तक वैलिड है अगर आपको अवेल करना है तो फटाफट से अन ज्वाइन कीजिए यूजिंग द कोड अंकित एस सी इससे ना सिर्फ आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा बल्कि विल कम अंडर माय पर्सनल गाइडेंस तो गेट तैयार करना है ई सिविल सर्विसेज या आई आर तैयारी कर सकते हो विद अंकित सर यूजिंग कोड अंकित ई चलिए पहला क्वेश्चन देखिए जरा चलो फटाफट बनाओ तो सीआरओ की थ्योरी आपकी पूरी हो गई है भाई चलो करो इसको और एएसपी भाई तुम्हारा डाउट क्लियर हुआ या नहीं हुआ बताओ तुम्हारी जो गुत्थी जी सॉल्व हुई या नहीं हुई गुत्थी समझते हो पजल प्रॉब्लम सी आ रहा है अब देखो डिफ्लेक्शन दे रखा है कितना फाइव एम एम ये क्वेश्चन तो एक्चुअली ना यूनिट्स पे ही है सिर्फ सेंसिटिविटी है पॉइंट जीरो फाइव एम एम पर वोल्ट तो जो वोल्टेज है दैट इज एक्चुअली इक्वल टू डी बाय दिस विल बी हंड्रेड वोल्ट ठीक है सी हंड्रेड वोल्ट आ गया अगला कीजिए ये पर डिवीजन है आई होगा और ये टाइम बेस्ड सेटिंग होना चाहिए मतलब एक्स एक्सेस की जो कैलिब्रेशन है सेटिंग है वो है फाइव मिली सेकेंड पर डिवीजन हरेंद्र कह रहे हैं सी बाकी लोग बताओ पिछले वाले का बोल रहे हो हरेंद्र या इस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर भी लिख दिया करो यार ऐसे मत लिखा करो ऐसे लिख दिया करो वन सी टू सी ऐसे पता तो रहे किस क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो रंजन कह रहे हैं बी बाकी बताइए भाई आंसर देखें CRO स्क्रीन टेन डिवीजन ऑन हॉरिजोंटल स्केल हॉरिजॉन्टल स्केल का मतलब है टाइम वाला तो हॉरिजोंटल स्केल का ड्यूरेशन क्या हुआ पांच मिली सेकेंड पर डिवीजन और टोटल डिवीजन है दस तो ये हुआ पचास मिली सेकेंड अब ये पूछ रहा है सिग्नल की कितनी साइकिल इतने में नजर आ जाएंगी अब सिग्नल का टाइम पीरियड अगर देखें तो टू पाई बाय ओमेगा होता है ओमेगा दे रखा है तीन सौ चौदह तो ये हुआ ट्वेंटी मिली सेकेंड अब भाई पचास मिली सेकेंड टोटल एक्सेस है जिसमें एक साइकिल बीस मिली सेकेंड की है तो पचास बाय बीस यानी ढाई साइकिल ठीक है ढाई साइकिल आपको नजर आएगी बी बी आंसर ठीक है अगला देखिए अ डायगनल लाइन मेकिंग एन एंगल 135 थर्टी फाइव डिग्री पॉजिटिव एक्स एक्सिस इज डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन वेन द सी आर ओ इज ऑपरेटेड इन द एक्स वाई मोड व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इनपुट सिग्नल फेज शिफ्ट बताओ अगर आपको एंगल 135 डिग्री मिल रहा है एक्स एक्सेस से तो आपका फेस शिफ्ट कितना होगा इजी तो है भाई अभी तो देख के आए हो जल्दी से बोलो भाई यस 180 डिग्री जीरो डिग्री पे एक स्ट्रेट लाइन आती है जो कि 45 का एंगल बनाती है 180 के शिफ्ट पे एक स्ट्रेट लाइन आती है जो 135 का एंगल बनाती है हितेश भाई 90 डिग्री पे सर्कल आया था चलो अगला करो द एक्स डिफ्लेक्शन प्लेट्स ऑफ अ सी आर टी आर ट्वेंटी एम एम लॉन्ग एंड फाइव एम एम अपार्ट सेंटर ऑफ द प्लेट इज ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द स्क्रीन एक्सलरेटिंग वोल्टेज भी दी गई है डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी निकलवा रहा है देखो ये जो साइनोसोइडल के केसेस बनवाए ना बहुत से एग्जाम में मैचिंग के लिए आ जाते हैं तो ये केसेस तो आपको डायरेक्टली याद होने चाहिए एग्जाम में साइनोसोइडल का डिराइव ना करना पड़े और कल अगेन आपका मैराथन होगा बेटा कल लास्ट मैराथन होगा मेजरमेंट का एरर एनालिसिस और पोटेंशियोमीटर कवर करेंगे उसके बाद आपका मेजरमेंट का सिलेबस कंप्लीट हो जाता है तो इस साल देखो मैंने आपको कंट्रोल सिस्टम भी करा दिया एनालॉग पूरा करा दिया मेजरमेंट पूरा करा दिया मशीन पावर सिस्टम रिवाइज़ करा दिया पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के मैराथन करा दिए है कि नहीं है देखो सेंसिटिविटी अगर देखी जाए तो एल एल डी बाई टू डी वी ए लेंथ ऑफ द डिफ्लेक्शन प्लेट्स कितना है 20 एम एम डिस्टेंस कितना है स्क्रीन से 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स 5 एम एम एक्सल रेटिंग वोल्टेज तीन हजार पॉइंट वन सिक्स सिक्स सेवन एम एम पर वोल्ट ठीक है आप सेंटीमीटर को भी मिलीमीटर mm में कन्वर्ट कर लो ना 25 सेंटीमीटर इज 250 फिफ्टी mm. अगला देखो जरा इसमें फिर से देखो सेम डेटा है सेंसिटिविटी और आर इनपुट वोल्टेज पूछ रहा है लेंथ ऑफ द ट्रेस दे रखा है यानी कि जो भी आपका ग्राफ आ रहा है ना स्क्रीन पे उसकी लेंथ है 10 सेंटीमीटर ग्राफ का लेंथ है टोटल लेंथ है 10 सेंटीमीटर तो आपको ये बताना है सेंसिटिविटी कितना है और आरएमएस इनपुट वोल्टेज कितना है क्या आ रहा है बी देखो सेंसिटिविटी तो अभी निकाली है अब लेंथ बता रहा है ट्रेस का टेन सेंटीमीटर यानी हंड्रेड mm. तो वोल्टेज जो आएगी ना वो हंड्रेड mm बाय सेंसिटिविटी आएगी सिक्स हंड्रेड वोल्ट लेकिन ये होगी बेटा पीक टू पीक क्यों सर क्योंकि बेटा ट्रेस की जो लेंथ है वो मिनिमम से मैक्सिमम है ना यानी पीक टू पीक वोल्टेज है अब अगर आपको मैक्सिमम वोल्टेज या एम्पलीट्यूड चाहिए तो आप पीक टू पीक को दो से डिवाइड कर लो तो ये आया थ्री हंड्रेड लेकिन इसने क्या पूछा है आर एम एस पूछा है आर एम एस विल बी थ्री हंड्रेड बाई रूट टू तो आपके पास क्या बन गया बी ठीक है आंसर विल बी बी बहुत बढ़िया अगला देखो ये आ गया मैचिंग वाला भाई ये आ गया मैचिंग वाला हम्म करो जरा फेस शिफ्ट के अगेंस्ट आपको दे रखा है क्या आपको ग्राफ दे रखा है आपको मैचिंग करनी है क्वेश्चन नंबर भी लिख दो भाई साथ में ऐसे समझ कैसे आएगा ए आ रहा है हरेंद्र कह रहे हैं ए विशाल ए कुंवर ए शुभम ए चलो देखें 180 से 270 बेटा एलिप्स आता है सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट लेकिन ये भी क्लॉकवाइज होना चाहिए तो ये आएगा आर 90 डिग्री पे एक सर्कल आता है तो टी ज़ीरो से 90 में एक क्लॉकवाइज एलिप्स आता है यानी कि यू और फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट ये सेकंड एंड फोर्थ में आता है और ये वाला जो एलिप्स है फर्स्ट एंड थर्ड में आता है और 360 डिग्री पे एक स्ट्रेट लाइन आती है बेटा 45 डिग्री की तो आंसर विल बी ए 360 डिग्री पे 45 डिग्री पे एक स्ट्रेट लाइन बनती है नेक्स्ट देखिए जरा राइस टाइम एक्चुअल राइस टाइम पूछ रहा है अननोन सिग्नल का भाई सीआरओ का राइज टाइम है पंद्रह नैनो सेकेंड और मेजर्ड राइज टाइम है ट्वेंटी नैनो सेकेंड तो एक्चुअल राइज टाइम क्या है अभी मैंने रिलेशन बताया था भाई आया भाई आंसर ये जो देखो मेजर्ड राइस टाइम है ट्वेंटी नैनो सेकेंड ये सीआरओ का राइस टाइम का स्क्वायर और इनपुट वाले सिग्नल का राइस टाइम का स्क्वायर आप दोनों साइड स्क्वायर कर लो कितना आ रहा है थर्टीन पॉइंट एट के आसपास आ रहा होगा मेरे ख्याल से क्यों भाई थर्टीन पॉइंट एट आ रहा है बताओ थर्टीन पॉइंट टू टू एट एक्चुअली टू थ्री ठीक है ये आ गया चलो अगला देखो जरा द वे फॉर्म शोन इन द फिगर गिवन बिलो इज ऑब्जर्व ऑन द स्क्रीन ऑफ ऑसिलोस्कोप वर्टिकल एटेन्युएशन इज सेट टू पॉइंट फाइव वोल्ट पर डिवीजन टाइम पर डिवीजन इज वन माइक्रो सेकेंड पर डिवीजन अब जब ये वेब फॉर्म आपको डिस्प्ले होगी तो आपका फ्रीक्वेंसी क्या होगा आपको स्केल दे दिया ना आपसे फ्रीक्वेंसी मांग रहा है कम ऑन एवरी वन आपसे फ्रीक्वेंसी मांग रहा है स्केल दे दिया आपको ग्राफ दे दिया आपसे फ्रीक्वेंसी मांगी जा रही है फिफ्टी किलोहर्ट्स तो देखो यहां पे क्या देखोगे कि जो टाइम पीरियड है सिग्नल का वो एक्चुअली चार डिवीजन है अब एक डिवीजन पॉइंट फाइव पॉइंट टू फाइव माइक्रो सेकेंड का है सॉरी पॉइंट वन माइक्रो सेकेंड का तो चार माइक्रो सेकेंड हो गया अब फ्रीक्वेंसी जो आएगी वन अपॉइंट फोर यानी टू फिफ्टी किलोहर्ट्स ठीक है ये आ गया बहुत ही बढ़िया अरे यार एक्स एक्सेस की वैल्यू दिख तो रही है माइनस टू से टू जा रहा है चलो ये देखो जरा स्क्रीन पैटर्न ऑसिलोग्राम शोन इन द फिगर बिलो इज ऑपटेन वेन साइनोसोइडल सिग्नल ऑफ अननोन फ्रीक्वेंसी इज कनेक्टेड टू वर्टिकल इनपुट एंड एट एंड एट द सेम टाइम अ सिक्स हंड्रेड हर्ट साइन वेव इज कनेक्टेड टू द हॉरिजोनटल टर्मिनल आपको अननोन फ्रीक्वेंसी बतानी है जो मैंने टेंजेंसी वाला एक्सप्रेशन बताया था उससे सोचो ऐसी लाइन ड्रॉ करो जो मैक्सिमम जगह इंटरसेक्ट करे स्ट्रेट लाइन बनाना कभी घुमा घुमा के ज्यादा इंटरसेक्शन बना दो कुंवर कह रहे हैं डी सौरभ भी कह रहे हैं डी देखो मैं लाइन ड्रॉ करके दिखाता हूं देखो यहां पे अगर एक लाइन ड्रॉ करोगे वर्टिकली तो छ इंटरसेक्शन मैक्सिमम बन सकते हैं हॉरिजॉन्टली अगर ड्रॉ करोगे तो चार बना सकते हो मैक्सिमम एक दो तीन चार यहाँ पे एक दो तीन चार पाँच छ तो आपको वर्टिकल प्लेट्स पे आपने अननोन लगाया ना एफ वाई बाय एफ एक्स वर्ड हॉरिजॉन्टल बाय वर्टिकल ठीक है उल्टा रेशियो चलता है ना हॉरिजॉन्टल बाय वर्टिकल यानी चार बाय अब हॉरिजॉन्टल प्लेट पे तो सिक्स हंड्रेड हर्ट्स है ये तो भाई गड़बड़ हो गया सबका आंसर 900 तो नहीं 400 आ रहा है बल्कि बी यहाँ पे यही तो होता है रेशो आप उल्टा ले लिए फोर हंड्रेड आ रहा है तो कुंवर और सौरभ और हितेश सब ने जल्दी में दिया हरेंद्र ने भी आंसर सबका गलत हो गया अब डिलीट करके क्या फायदा भाई हरेंद्र शुभम और वंदना का सही है अगला देखिए फाइंड द फेज डिफरेंस बिटवीन द एक्स एंड वाई सिग्नल चलो बताओ एक्स वाई मोड में है एक्स वाई मोड का मतलब होता है जहाँ पे दो के बीच का ग्राफ दिखाता है आपको फेज डिफरेंस बताना है ये आ रहा है देखो भाई ये फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में पहले वैल्यूज देखना ही मत पहले ऑब्जर्वेशन लो और एंटी क्लॉकवाइज है इसीलिए फेस शिफ्ट होगा 360 सिक्सटी माइनस साइन इनवर्स अगर क्लॉकवाइज होता तो सीधे साइन इनवर्स होता अब y1 क्या था इंटरसेप्ट और y2 क्या था मैक्सिमम इंटरसेप्ट दिया है दो मैक्सिमम दिया है चार गलत हो गया जल्दबाजी में आंसर इज सी ए नहीं होगा सी आएगा हितेश भाई ये भी गलत एंटी क्लॉकवाइज में वन एट्टी माइनस फाइव नहीं थ्री सिक्सटी माइनस फाइव करोगे ठीक है अब आते हैं डिजिटल मीटर्स पे देखो मैंने डिजिटल मीटर्स के अंदर आपको एक चीज़ बताई थी कि ये बेसिकली क्या मेजर करता है डीसी वोल्टेज तो आपको अगर कोई भी क्वांटिटी मेजर करनी है डिजिटल मल्टीमीटर में तो आपको पहले उसे डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट करना होगा देन आपका एक डिजिटल मीटर उसको मेजर कर पाएगा तो डिजिटल मीटर बेसिकली करता क्या है ना देखो डिजिटल मीटर आपकी जो भी क्वांटिटी आप यहां पे किस में कन्वर्ट कर देते हो डीसी वोल्टेज में इसको एक एडीसी से पास करता है एडीसी तो समझते हो ना एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर फिर इसको एक डिजिटल प्रोसेसर में भेजता है प्रोसेसर क्या करता है इस डेटा को प्रोसेस करता है इसको एक सही फॉर्मेट में लेके आता है और फिर यहां पे सेवन सेगमेंट डिस्प्ले पे आपको रीडिंग मिल जाती है जो आपके ऑफलाइन कैलकुलेटर होते हैं ना ये इस पे भी देखो ये जो डिस्प्ले नंबर नजर आता है इसी को सेवन सेगमेंट कहते हैं क्योंकि इस जीरो के अंदर या इस नंबर के अंदर टोटल आठ आठ लाइनें हैं हर लाइन एक सेगमेंट कहलाती है ठीक है तो दैट इज अ सेवन सेगमेंट डिस्प्ले अब जैसे देखो आपने हाई वोल्टेज लगाया तो ये उसको एटेन्यूएटर से लो वोल्टेज में कन्वर्ट कर देगा डीसी को डीसी में आपने एसी लगाया तो ये रेक्टिफायर से डीसी में कन्वर्ट कर देगा आपने करंट लगाया तो रेजिस्टेंस से पास करके उसे वोल्टेज बना देगा अगर आपने रेजिस्टेंस लगाया तो उसमें करंट फ्लो करा के ये वोल्टेज बना देगा और ये जो स्विच है ये आप अलग अलग जगह रख सकते हो थ्रू अ डायल एक डायल होता है ना आप लोग मल्टीमीटर देखे हो भाई रियल लाइफ में उसके फ्रंट पे एक डायल होता है जो भी क्वांटिटी आप मेजर कर रहे हो उसके अनुसार उस डायल को रोटेट करा के हम लोग सेट कर देते हैं कि हम क्या मेजर कर रहे हैं और वो क्या करता है जो कि मेजर करेगा हमारा डिजिटल मीटर और डिस्प्ले करेगा ऑन सेवन सेगमेंट डिस्प्ले अब देखो इसके अंदर अलग अलग प्रकार के एडीसी हो सकते हैं जैसे डुअल स्लोप एडीसी इसका मैक्सिमम कन्वर्जन टाइम होता है टू की पावर एन प्लस वन टीकॉक और मिनिमम कन्वर्जन टाइम होता है टू की पावर t क्लॉक फिर एस ए आर एडीसी इसका फिक्स्ड होता है भाई एन टी क्लॉक ना मिनिमम ना मैक्सिमम काउंटर एडीसी टू की पावर t क्लॉक मिनिमम हो सकता है जीरो फ्लैश एडीसी इसका भी फिक्स है क्लॉक कि एक ही साइकिल में होगा इसका मिन मैक्स नहीं है ठीक है अब ये जो एडीसी है ये तो आप डिजिटल में ऑलरेडी कवर करते हो बेटा चारों तरह के एडीसी डुअल स्लोप एस फ्लैश टाइप काउंटर एडीसी तो ये मैं कवर नहीं करा रहा हूं लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है कि आप सबसे पहले किसी भी क्वांटिटी को एक डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट करोगे उसको आपका मल्टीमीटर क्या करेगा एडीसी की मदद से डिजिटल में कन्वर्ट करेगा फिर वो प्रोसेस होगी एंड देन इट विल बी डिस्प्लेड ऑन सेवन सेगमेंट डिस्प्ले आप देखो डिजिटल मीटर्स के अंदर एडीसी हम लोग स्टडी नहीं कर रहे हैं बहुत सारे लोग क्या होता है ना कि मल्टी इसके अंदर डिजिटल मीटर के अंदर ही पूरा एडीसी पढ़ाते हैं लेकिन आप लोग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ते हो इसलिए मैं नहीं पढ़ा रहा हूं अब इसके अंदर कुछ इस स्पेसिफिकेशन होती है जो कि मेजरमेंट में ही पढ़ी जाती है द फर्स्ट थिंग इज द रेजोल्यूशन रेजोल्यूशन का मतलब क्या होता है भाई कितनी छोटी से छोटी वैल्यू आप रीड कर सकते हो एक डिजिटल मीटर में तो ये रेजोल्यूशन क्या होता है वन बाई टेन की पावर एन एन इज द नंबर ऑफ फुल डिजिट्स एन इज द नंबर ऑफ फुल डिजिट्स अच्छा यहां पे जो एन है ना यहां पे एन क्या है एन इज द नंबर ऑफ बिट्स एडीसी में एन क्या होता है नंबर ऑफ बिट्स लेकिन रेजोल्यूशन में एन क्या है नंबर ऑफ फुल डिजिट जैसे देखो अगर एक थ्री एंड अ हाफ डिजिट डिजिटल मल्टीमीटर दे दूं तो उसका जो रेजोल्यूशन आप निकालोगे ना मुंह मेरे बच्चों आप वन बाय टेन की पावर थ्री लोगे फुल डिजिट देखनी है और ये जो रेजोल्यूशन है दिस इज योर यूनिट लेस ठीक है दिस इज योर यूनिट लेस अब ऐसे ही आता है बेटा सेंसिटिविटी सेंसिटिविटी क्या होता है रेजोल्यूशन इनटू रेंज ठीक है अब रेंज क्या होता है भाई रेंज डिपेंड करता है पोजीशन ऑफ डेसिमल पे जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं थ्री डिजिट डी एम एम ऑपरेटिंग ऑन टेन वोल्ट रेंज एक एग्जांपल से समझिएगा ऑपरेटिंग ऑन टेन वोल्ट रेंज अब ये टेन वोल्ट रेंज क्या है देखो ये जो थ्री डिजिट है यानी डिस्प्ले पे आपके पास तीन डिजिट है ये जो तीन डिजिट हैं ये जा सकती हैं जीरो से नाइन जीरो से नाइन जीरो से नाइन आपको टेन वोल्ट का रेंज रखना है तो आप यहाँ पे डेसिमल लगाइए ताकि नाइन पॉइंट नाइन नाइन ये मैक्सिमम हुआ इसी को आप क्या बोल देते हो टेन वोल्ट रेंज ऐसा मत सोचना एग्जैक्ट टेन वोल्ट आएगा नाइन पॉइंट नाइन नाइन अब आपने डेसिमल कहां लगाया बेटा पहली डिजिट के बाद लगाया अब मिनिमम क्या होगा मिनिमम ये होगा ना यही है आपकी सेंसिटिविटी तो सेंसिटिविटी जो है आप लॉजिक से भी निकाल सकते हो वरना सेंसिटिविटी का फॉर्मूला भी लगा सकते थे रेजोल्यूशन इनटू टू रेंज अब रेजोल्यूशन कितना था भाई वन बाय टेन टू पावर थ्री और रेंज था टेन पॉइंट जीरो वन वोल्ट कई बार ना सेंसिटिविटी को भी रेजोल्यूशन uh, ही कह देते हैं समटाइम्स कॉल्ड एज रेजोल्यूशन लेकिन बेटा इसकी यूनिट क्या होती है इसकी यूनिट होती है वोल्ट तो आप यूनिट से पहचान लेना ये किसकी बात कर रहा है ठीक है अगर वोल्ट में दे रहा है तो सेंसिटिविटी की बात हो रही है और अगर ये यूनिट लेस दे रहा है तो रेजोल्यूशन की बात हो रही है अब जरा ये देखो अब फाइव डिजिट डीएमएम इज यूज इन टेन वोल्ट रेंज फाइंड सेंसिटिविटी निकालिए फटाफट चलिए फाइव डिजिट डीएमएम इज यूज इन टेन वोल्ट रेंज फाइंड सेंसिटिविटी क्या आ रहा है पॉइंट ट्रिपल जीरो वन देखो कैसे निकालोगे फाइव डिजिट में वन बाय टेन की पावर फाइव इंटू टेन तो टेन की पावर माइनस फोर आप इसको कह सकते हो टेन मिली वोल्ट ठीक है टेन मिली वोल्ट आ रहा है ना सॉरी पॉइंट वन मिली वोल्ट चलो क्लियर हुआ अब आती है बात ओवर रेंजिंग बेटा कई बार जो है ना इंस्ट्रूमेंट की रेंज बढ़ाने के लिए डिजिटल मीटर की रेंज बढ़ाने के लिए हम फ्रैक्शनल डिजिट का यूज करते हैं जैसे अभी मैंने लिखा था ना थ्री एंड डिजिट तो फ्रैक्शनल डिजिट क्या करती है आपकी रेंज को बढ़ा देती है जैसे अगर हाफ डिजिट है तो वो जीरो या वन हो सकता है थ्री फोर्थ ऑफ अ डिजिट है तो वो जीरो से थ्री तक हो सकता है ये जीरो से नाइन तक नहीं जाते ये डू नॉट गो फ्रॉम जीरो टू नाइन याद रखिएगा जीरो से वन या फिर जीरो से थ्री जस्ट गिव मी अ मिनट बच्चो हैलो हाँ भाई तो ये जीरो से नाइन तक नहीं जाते हाफ डिजिट ज़ीरो से वन जाती है और आपकी थ्री फोर्थ ऑफ अ डिजिट गोज फ्रॉम जीरो टू थ्री अब जैसे थ्री एंड अ हाफ डिजिट हुआ अब थ्री एंड अ हाफ डिजिट मैं आपको करके दिखाता हूं क्या होगा ये जो आपकी फ्रैक्शनल डिजिट होती है ना ये हमेशा पहली डिजिट होती है यानी मोस्ट सिग्निफिकेंट इसमें ये जा सकती है ज़ीरो से वन ये ज़ीरो से नाइन ये ज़ीरो से नाइन ये जीरो से नाइन तो पे आपका मैक्सिमम काउंट क्या हो सकता है दैट विल बी वन ट्रिपल नाइन तो थ्री डिजिट में नाइन 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 आता था, यानी थाउजेंड तक जा सकते थे यहां दो हजार तक जा सकते हो बढ़ गया ना तो आपका मैक्सिमम काउंट जो वन ट्रिपल नाइन है दैट इज अप्रोक्सीमेटली टू थाउजेंड अर्लियर कितना था? थाउजेंड लेकिन जब आप रेजोल्यूशन निकालोगे बेटा तो फ्रैक्शनल डिजिट की गिनती नहीं करोगे यू विल ओनली काउंट द फुल डिजिट बात क्लियर हो गई अब जरा ये देखो अ फोर एंड अ हाफ डिजिट डीएमएम इज यूज इन ट्वेंटी वोल्ट रेंज फाइंड सेंसिटिविटी फोर एंड अ हाफ डिजिट देखो जैसे ये है अब फोर एंड हाफ में ट्वेंटी वोल्ट का रेंज ट्वेंटी वोल्ट का रेंज तब आएगा बेटा जब आप डेसिमल यहां पे लगाएंगे आप क्या लिखेंगे वन नाइन पॉइंट नाइन 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 तो रेंज हो गई ना ट्वेंटी वोल्ट तो मिनिमम कितना हुआ जीरो जीरो पॉइंट जीरो जीरो वन यानी वन मिली वोल्ट यही है सेंसिटिविटी समझ गए सेंसिटिविटी निकालने का डायरेक्ट तरीका पहले डेसिमल प्लेस करो और फिर मिनिमम वैल्यू आप निकाल दो अगला ट्राई करना जरा थ्री थ्री बाय फोर डिजिट डीएमएम डीएमएम माने डिजिटल मल्टीमीटर इज यूज इन द फोर्टी वोल्ट रेंज फाइंड सेंसिटिविटी फाइंड द सेंसिटिविटी करिए थ्री थ्री बाई फोर है यानी जो पहली डिजिट है बेटा वो कहाँ तक जा सकती है ज़ीरो से थ्री तक अब आप ये सोचो डेसिमल कहाँ लगाएं फोर्टी के लिए यहाँ लगाइए क्योंकि इसमें मैक्सिमम जो होगा थर्टी नाइन पॉइंट नाइन नाइन फोर्टी वोल्ट अब यहाँ देखो मिनिमम कितना आएगा 10 मिली वोल्ट आ गया ठीक है ये कितना आ गया आपके पास 10 मिली वोल्ट आ गया अब बेटा यहां पे एक लास्ट चीज और जो आपको पता होनी चाहिए दैट इज द टोटल एरर अब टोटल एरर कैसे निकलता है एक तो होता है रीडिंग का अपना खुद का एरर तो परसेंटेज एरर इन द रीडिंग मल्टीप्लाइड बाय रीडिंग इसके अंदर क्या होता है ना बेटा एडीसी जो लगा होता है उसमें कई बार काउंटर में एरर आ जाता है एडीसी के अंदर ना एक्चुअली काउंटर लगा होता है तो एडीसी के काउंटर में कभी कभी गलती आ जाती है तो उसको बोलते हैं काउंट एरर अब मान लो हम कहते हैं काउंटर में एक काउंट की गलती है अब एक काउंट कितने वोल्ट है ये तो पता करना पड़ेगा तो कैसे निकालते हो कि नंबर ऑफ काउंट कितना काउंट का एरर है अपॉन रेंज इनटू फुल स्केल जैसे देखो फोर एंड हाफ डिजिट यूज इन ट्वेंटी वोल्ट रेंज तो यहां पे जो फुल स्केल है वो ट्वेंटी वोल्ट है और जो रेंज है ना फोर एंड हाफ कितने तक जा सकता है वो जा सकता है वन नाइन 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 ट्वेंटी थाउजेंड तक ठीक है तो आपका काउंट एरर में फुल स्केल डालोगे 20 और रेंज डालोगे 20,000 इस टाइप से बेसिकली ये जो वैल्यू है ना ये आपकी सेंसिटिविटी ही है ये क्या है सेंसिटिविटी तो आप काउंट एरर में सेंसिटिविटी मल्टीप्लाई कर रहे हो इन ऑर्डर टू नो कि एक काउंट माने कितनी सेंसिटिविटी ठीक है सॉरी कितनी वोल्टेज तो काउंट को वोल्टेज में कन्वर्ट करने के लिए यू आर मल्टीप्लाइंग इट विद सेंसिटिविटी अब जरा क्वेश्चन देखो रेजोल्यूशन बताइए अब आप यूनिट देखिए वोल्ट में तो समझ जाइए रेजोल्यूशन का मतलब यूनिट आपकी वोल्ट में है आपको समझना है रेजोल्यूशन का मतलब कम ऑन क्या आएगा फटाफट कर दो इसको और आंसर ना क्वेश्चन नंबर के साथ देना कि इलेवेंथ का क्या आ रहा है ताकि मुझे पता तो रहे किसका आंसर दे रहे हो ए देखो मैंने कैसे जुगाड़ बताया ये थ्री फोर्थ डिजिट है ये फुल डिजिट है ठीक है फोर थ्री बाय फोर फोर्टी वोल्ट का रेंज है तो यहां लगाओ ताकि मैक्सिमम क्या बने थर्टी नाइन पॉइंट नाइन 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 अब सेंसिटिविटी माने मिनिमम जीरो जीरो पॉइंट जीरो जीरो वन तो वन मिली वोल्ट ठीक है आंसर विल बी वन मिली वोल्ट बहुत ही बढ़िया पुष्पाशीष एंड कुंवर चलो अगला ट्राई करो आ थ्री एंड डिजिट डी एम एम हैज द एरर स्पेसिफिकेशन पॉइंट थ्री परसेंट ऑफ रीडिंग प्लस टू काउंट टेन वोल्ट आपने रीड किया 20 volt कि है ट्वेंटी वोल्ट की आपकी रेंज है एरर बताइए परसेंटेज एरर जो मैंने अभी आपको टोटल एरर बताया ना काउंट एरर को परसेंट काउंट एरर को वोल्ट में कन्वर्ट करते हो बायल्टीप्लाइंग इट विद द सेंसिटिविटी आपको रेंज दे रखी है, सेंसिटिविटी निकालो पहले क्वेश्चन नंबर के साथ दीजिए भाई आंसर वंदना ट्वेल्व का डी आ रहा है पुष्पाशीष कह रहे हैं बाकी लोग बताओ देखो थ्री एंड हाफ है पहले सेंसिटिविटी निकाल लीजिए ट्वेंटी वोल्ट की रेंज है तो यहां पे आया नाइनटीन पॉइंट नाइन नाइन हो गया ना तो सेंसिटिविटी कितनी होगी भाई जीरो जीरो पॉइंट जीरो वन अब एरर कितना आएगा देखिए पॉइंट थ्री परसेंट ऑफ रीडिंग रीडिंग टेन है ट्वेंटी नहीं है प्लस काउंट एरर टू काउंट बोला है टू इंटू सेंसिटिविटी ठीक है तो ये हो गया पॉइंट जीरो फाइव अब परसेंटेज ये तो वोल्ट में आया ना रीडिंग दस इन टू हंड्रेड तो पॉइंट फाइव परसेंट डी ठीक है आंसर विल बी डी बहुत बढ़िया अगला देखो सेंसिटिविटी ऑफ अ डिजिटल वोल्ट मीटर फोर एंड हाफ डिजिट डिस्प्ले एंड रेंज ऑफ टू वोल्ट टू वोल्ट में आप इसको यूज कर रहे हो इसकी सेंसिटिविटी बताओ क्या आ रहा है पॉइंट वन देखो फोर एंड हाफ है टू वोल्ट का रेंज चाहिए टू वोल्ट रेंज का मतलब है वन पॉइंट नाइन 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 तो यहां मिनिमम कितना आएगा जीरो पॉइंट जीरो, जीरो 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 वन पॉइंट वन मिली वोल्ट तो आंसर विल बी पॉइंट वन बहुत बढ़िया सौरव कुंवर पुष्पाशीष सभी का सही है थ्री एंड अ हाफ डिजिट वोल्ट मीटर कैन बी यूज टू मेजर अ मैक्सिमम वोल्टेज ऑफ बताओ अगर टू वोल्ट की रेंज में चला रहे हो तो कितना मैक्सिमम वोल्टेज रीड कर सकते हो एक्चुअली तो टू वोल्ट नहीं होता ये एक्चुअल पूछ रहा है कहां तक जा सकते हो अगर टू वोल्ट का रेंज लेके चल रहे हो कहां तक जा सकते हो ए यस वन पॉइंट नाइन 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 टू तक नहीं जाते ना एग्जैक्ट अभी तो देखो बताया ये वाला वन पॉइंट नाइन 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 थ्री एंड अ हाफ में वन पॉइंट ट्रिपल नाइन होगा अगला फोर एंड अ हाफ डिजिट वोल्ट मीटर इज यूज फॉर वोल्टेज मेजरमेंट हाउ वोल्ट जीरो पॉइंट सिक्स नाइन सेवन थ्री वोल्ट बी डिस्प्लेड ऑन अ टेन वोल्ट रेंज पॉइंट सिक्स नाइन सेवन थ्री को कैसे डिस्प्ले करोगे अगर टेन वोल्ट की रेंज में चल रहे हो अब आपको लगेगा सर टेन वोल्ट कैसे तो एक्चुअली इसकी रेंज ट्वेंटी वोल्ट ही होगी टेन वोल्ट बस लिख दिया है अब आप समझ जाओ हाफ डिजिट है तो रेंज बढ़ जाती है तो ट्वेंटी वोल्ट होगी करके बताओ इसको ये कैसा दिखेगा नंबर देखो फोर एंड हाफ डिजिट है ना टेन वोल्ट तो इसकी रेंज हो ही नहीं सकती इसकी रेंज हो सकती है ट्वेंटी और टेन वोल्ट भी अगर आपको बनाना है तो आप ऐसे बनाओगे ना तो यानी यहां पे डेसिमल लगाओगे तो डेसिमल के बाद ओनली थ्री डिजिट्स पॉसिबल डेसीमल के बाद तो सिर्फ थ्री डिजिट्स ही आ सकती है ना आपकी आपने जिस हिसाब आप से डेसिमल लगाया है इसीलिए आपका नंबर ट्रंकेट होके आएगा तो बी थ्री वाला हट जाएगा ना क्योंकि तीन ही डिजिट दिखा सकते हो तो आंसर विल बी बी चलो एक लास्ट क्वेश्चन द सिंप्लीफाइड ब्लॉक डायग्राम ऑफ अ टेन बिट एडीसी ऑफ अ डुअल स्लोप इंटीग्रेटर टाइप इज शोन 10 बिट काउंटर एट द आउटपुट इज क्लॉक्ड बाय अ 1 मेगा क्लॉक एज्यूमिंग नेग्लिजिबल टाइमिंग ओवरहेड फॉर द कंट्रोल लॉजिक मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी दैट कैन बी कन्वर्टेड मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है भाई बताइए ये कह रहा है जो कंट्रोल लॉजिक है इसका टाइमिंग आप इग्नोर कर दो ये काउंटर आपको दे रखा है डुअल स्लोप एडीसी के अंदर ठीक है आपको क्या बताना है कि कितना मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आप एनालॉग सिग्नल का ले सकते हो अगर इस एडीसी की मदद से आपको उसे कन्वर्ट करना है बताइए भाई देखो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के लिए आपका कन्वर्जन टाइम मिनिमम होगा मिनिमम कन्वर्जन टाइम अभी मैंने लिखवाया टू की पावर एंड टी क्लॉक वन मेगा हर्ट्स और टू की पावर टेन टू की पावर टेन को आप वन किलो 1 के मानते हो तो ये आ गया वन किलो हर्ट्स, ठीक है वन किलो हर्ट्स। टू की पावर टेन को वन किलो माना जाता है ना वन जीरो टू फोर होता है तो ये आ गया वन किलो हर्ट्स क्लियर हुआ भाई ठीक है तो ये आपके आंसर कीज दे रखी हैं, और देखो जो भी बच्चे गेट ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव की तैयारी मेरे साथ करना चाहते हैं उनके लिए 6 जनवरी तक बेटा 23 परसेंट ऑफ चल रहा है आप कोई भी सब्सक्रिप्शन लीजिए गेट ई का लीजिए या फिर आप आई आर एम एस का लीजिए कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हो उस पर आप अंकित ई कोड लगा के 23 परसेंट ऑफ़ पा सकते हो एंड यू कैन स्टडी अंडर माय पर्सनल गाइडेंस आई आर एम एस के लिए आपको गेट और यू का कॉम्बो मिल रहा है बेटा जिसमें लाइव क्लासेज हैं टेस्ट सीरीज है स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज हैं ठीक है और अनलिमिटेड एक्सेस किसी भी टीचर को देख सकते हो इस पर भी आप अंकित ई कोड लगा के ट्वेंटी थ्री परसेंट ऑफ पा सकते हो ठीक है अदर देन दिस बेटा इस संडे आपका होने वाला ऑल इंडिया मॉक टेस्ट तो इसके लिए अच्छे से तैयारी कर लीजिए आप लोग इसमें आपको स्कॉलरशिप भी मिलेगा इसमें आपको गेट का एनवायरमेंट भी मिलेगा गेट पैटर्न के क्वेश्चन मिलेंगे बाय टॉप एजुकेटर्स तो इस पर भी आप अंकित ई कोड लगा के फ्री ऑफ कॉस्ट एनरोल कर सकते हो इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है ये मेरी स्पेशल क्लासेस का लिंक है यहां मैंने आपको जो है ना मेजरमेंट का एक सी सीरीज करा रखा है आप मेजरमेंट के क्वेश्चन यहां से प्रैक्टिस कर सकते हो और अगर अन अकेडमी ज्वाइन करते हो तो यू हैव टू चॉइजेस प्लस एंड आइकॉनिक दोनों में ना आपको टॉप टीचर्स मिल रहे हैं ऐप पे पूरा स्टडी मटेरियल है टेस्ट सीरीज भी इंक्लूडेड है लेकिन आइकॉनिक में एक्स्ट्रा क्या है नए क्वेश्चन में डाउट आएगा तो वीडियो सोल्यूशन घर के लिए प्रिंटेड नोट्स वन टू वन लाइव मेंटरशिप स्ट्रेटेजी एंड स्टडी प्लान एंड ओपन हाउस सेशन में यू कैन इंट्रैक्ट वाया ऑडियो सौरभ मेरे भाई अगर होम पे जाके देखोगे कल 11 बजे की क्लास नजर आ जाएगी मैंने सारे मैराथन बनवा दिए ऑलरेडी अब देखो आपके लिए अन अकेडमी टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड कर रहा है बेटा चार महीने का सब्सक्रिप्शन है 499 में इस पे भी आपको डिस्काउंट मिल जाएगा यूजिंग द कोड अंकित एस ई इसमें पार्ट टेस्ट सब्जेक्ट टेस्ट मल्टी सब्जेक्ट टेस्ट टेस्ट, सारे टेस्ट आपके इंक्लूडेड हैं और आप जब अनकेडमी ऐप पर जाते यू कैन चूज बिटवीन आइकॉनिक प्लस एंड लाइट एंड देन यूज द कोड अंकित मैक्सिमम डिस्काउंट और देखो टॉप टेन में हमने गेट ट्वेंटी टू में छह रैंकर्स प्रोड्यूस किए दिस स्पीक्स द वॉल्यूम अबाउट द क्वालिटी ऑफ कॉन्टेंट दैट वी आर प्रोवाइडिंग और ई एस सी ट्वेंटी ट्वेंटी टू के अंदर भी इलेक्ट्रिकल ई सी के बच्चों ने धमाल मचाया है और बेटा अगर आपका भी सपना है ना ऐसे मुकाम पर पहुंचने का तो आपको फटाफट अन अकेडमी ज्वाइन करना चाहिए अगर फाइनेंशियल इशू फेस कर रहे हो तो बेटा ई पे ले सकते हो कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा दो घंटे में ई अप्रूव होती है पेपर वर्क में सिर्फ और सिर्फ आपको क्या है आपको क्या मिलेगा आधार कार्ड पैन कार्ड देना है एंड यू कैन रीपे द्लेक्सीबल अमाउंट ऑफ टाइम हाँ बेटा मैं बात कर रहा हूँ इस बारे में और देखिए उड़ान बैच हमारा स्टार्ट हुआ है लेटेस्ट फॉर गेट 24 जिसमें नेटवर्क हमने स्टार्ट किया विद विधांडे सर बुनियाद बैच फॉर गेट ट्वेंटी फाइव इसमें नेटवर्क स्टार्ट हुआ है ढांडे सर का और आई आर एम एस के बैच में भी नेटवर्क ही स्टार्ट हुआ है और आई आर एम एस का जी एस वाला पोर्शन आपका अट्ठारह दिसंबर से स्टार्ट हो गया था यह मेरा टेलीग्राम चैनल है यहां पे मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा और अगर आपको मेरा और स्टडी मटेरियल चाहिए दैट इज कौन कौन सा आपको अगर कंट्रोल और एनालॉग का चाहिए तो अनकेडमी ऐप के होम पेज पे जाना कम्युनिटी में डिस्कवर पे वहां आपको मिल जाएगा सो थैंक यू एवरी अब हम लोग कल ग्यारह बजे मिलेंगे एरर एनालिसिस और पोटेंशियोमीटर डिस्कस करेंगे एंड मेजरमेंट को वाइंड अप करेंगे लेट्स क्रैक इट